टेक अप, इनफैक्ट हम इसको इसी का पार्ट मान सकते हैं, आखिरी में द लास्ट वी विल टेक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स रिलेटेड क्या इंडेस। आपके कोर्स में एक चैप्टर भी है और वो चैप्टर बना पूरा का पूरा इंडेस से, विच इज इंडेस 32107109 ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। दिस इज समथिंग विच इज इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जाम्स, हैव बीन आस्क्ड मल्टीपल टाइम्स इन द एग्जाम्स नाउ। दिस इज समथिंग विच हैज बीन मेड एप्लीकेबल फॉर क्वाइट सम टाइम। आपने सुना होगा पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 30, 31, 32 होते थे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, उन्हें विड्रॉ कर लिया गया और अब सिर्फ इंड एस। यानी ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा टॉपिक है जहां पे हम ए एस एंड इंड एस बोथ नहीं पढ़ पाएंगे, यहां सिर्फ क्या पढ़ेंगे इंड एस। ठीक है, ये टोटल चीजें होंगी जो हमारी कवर होंगी इंड एस और ए एस में। इसमें हमारे टोटल कितने लेक्चर्स लगेंगे, दिस कंप्लीट थिंग इज गोइंग टू टेक 45 लेक्चर्स प्लस 5 लेक्चर्स। इसका मतलब क्या है, 45 लेक्चर्स हमारे क्लास में होंगे जिसमें कि हम क्या करेंगे, वी विल कवर अप ऑल दीज इंड एस एंड एस। इसके अलावा 5 आपके एडिशनल लेक्चर्स होंगे जिसमें कुछ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स होंगे जो क्लास में अपन कवर करेंगे, बट इन केस इफ यू हैव अ टाइम लिमिटेशन यू कैन टेक दोज इन पेन ड्राइव, तो वो आप लेके जा सकते हो। ये कौन से स्टैंडर्ड्स होंगे कंपैरेटिवली जो क्या है, दे आर लेसर इंपॉर्टेंट इजियर वंस, बट स्टिल बिकॉज दे आर अ पार्ट ऑफ आर करिकुलम वील बी कवरिंग देम। ठीक है, यानी उस सेंस में अपने टोटल ड्यूरेशन हो जाएगी 45, तो आपको आना ही है, 5 आप आ सकते हैं या घर पे देख सकते हैं, इतने में हम सारे लेक्चर्स कवर करेंगे। अकाउंट्स के पोर्शन पे आ जाओ तो अकाउंट्स में हमारे क्या क्या चैप्टर्स होते हैं, तो आई एम जस्ट गिविंग यू अ क्विक ओवरव्यू, वी विल नॉट डिस्कस टू मच अबाउट इट नाउ, इसको बाद में देखेंगे। कंसोलिडेशन नाम का आपका एक चैप्टर जिसका एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में 16 मार्क का। फिर आपका एक चैप्टर होता है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, जिसमें अमलगमेशन, इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग जैसी चीजें जो आप पहले पढ़ चुके हो, और एक्सटर्नल रिस्ट्रक्चरिंग, एक्विजिशन ऑफ बिजनेस जैसी कुछ नई चीजें आती है, जिसके ऊपर एक और 16 मार्क का क्वेश्चन आता है। देन यू हैव अ चैप्टर कॉल वैल्यूएशन, जिसमें बहुत सारे प्रकार के वैल्यूएशन होते हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, शेयर्स, बिजनेस, ब्रांड्स, असेट्स, लाइबिलिटी। ये 16 मार्क का आता है, इस बार थोड़ा ज्यादा आ गया था, 44 मार्क्स का। इंस्टीट्यूट को पता नहीं क्या हो गया इस बार, तो इस बार तो सारे ज्योतिषी फेल हो गए। इस बार कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का कोई क्वेश्चन ही नहीं आया मई 2017 की एग्जाम, उसका पूरा वेटेज उन्होंने ट्रांसफर कर दिया वैल्यूएशन में, कंसोलिडेशन में इंडेस कहीं जोड़ दिया। एनीवेज, तो दीज आर थ्री कोर चैप्टर्स व्हाट वी हैव। देन वी हैव अ चैप्टर ऑन वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, एक ऐसा चैप्टर जिसको गलत करने के लिए टैलेंट चाहिए, सुपर टैलेंटेड स्टूडेंट होगा जो इस चैप्टर में कोई गलती कर पाएगा, राइट? इट्स लाइक बीकॉम में फेल होने जैसा, वैल्यू एडेड स्टेटमेंट्स। तो इसमें इकोनॉमिक वैल्यू एडेड होता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है, शेयर होल्डर वैल्यू एडेड, मार्केट वैल्यू एडेड, ऐसे कुछ टॉपिक्स होते हैं। देन इसके अलावा देन यू हैव समथिंग कॉल्ड एज अ शेयर बेस्ड पेमेंट, एक ईस्वाप है आपका, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स की अकाउंटिंग, जिसको शेयर बेस्ड पेमेंट्स बोलते हैं। इसका एग्जाम में 0 to 6 मार्क्स का वेटेज आता है, समटाइम्स 8 मार्क्स, तो लेट अस पुट इट लाइक 8 मार्क्स। एंड देन वी हैव सम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के रिलेटेड हमारे चैप्टर्स हैं, जिसमें NBFC अकाउंटिंग, म्यूचुअल फंड अकाउंटिंग, स्टॉक ब्रोकर अकाउंटिंग, मर्चेंट बैंकर अकाउंटिंग है। इसका एग्जाम में अगेन 8 मार्क का वेटेज आ जाता है। और फिर आपके कुछ अदर चैप्टर्स हैं जिसको डेवलपमेंट इन अकाउंटिंग बोलते हैं, जिसमें ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग टाइप के आपके कुछ चैप्टर हैं, विच मे हैव अ वेटेज ऑफ 0 to 8 मार्क्स। ठीक है, यूजुअली अगर आप पैटर्न देखोगे, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इस पूरे पैटर्न में आप नॉर्मली देखोगे तो यू विल फाइंड दैट दिस पोर्शन इज अप्रोक्सीमेटली 64 मार्क्स एंड द इंडेस एस पोर्शन अप्रोक्सीमेटली इज 56 मार्क्स।
लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि कंपलसरी क्वेश्चन जो आता है वो कहाँ से आता है, इंडेस एस में से, दैट हैपेंस ऑलवेज. तो यू डोंट हैव एन ऑप्शन टू लीव दैट. ऑब्वियसली इंटरव्यूज में भी खैर वो चीज़ें बहुत होती हैं. ये आपका मोटा मोटी ब्रेकअप है इस तरह का आपका पेपर का, क्या होता है यूजुअल ब्रेकअप होता है. ठीक है, चले तो अपन शुरुआत किससे करेंगे दोस्त, इंडेस एस वाले पोर्शन से. एंड द वे वील बी स्टडिंग इंडेस एंड एस, आई विल गिव यू अ सीक्वेंस इन विच सीक्वेंस वी विल स्टडी. बिफोर आई कम टू दैट, सम क्विक टिप्स अबाउट आर क्लास, उसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं फटाफट. कुछ चीजें जो आपको समझना है. पहली बात, वट एवर थिंग्स आई एम राइटिंग हियर यू विल गेट बोर्ड नोट्स टू इट. ये सारे बोर्ड नोट्स आपको ऑनलाइन मिलेंगे. ठीक है, वेन यू रजिस्टर वॉट इज गोइंग टू हैपन इज यू विल गेट अ स्कॉलर आई डी. ठीक, वर्चुअल वाले खास तौर पे समझ लो इसको. स्कॉलर आईडी होगा, आपका पासवर्ड होगा आपका मोबाइल नंबर जो आपने रजिस्टर कराते समय इनपुट किया है. ये लेके यू गो टू द वेबसाइट, अपनी वेबसाइट है www.fast.edu.in. ये वेबसाइट पर जाके व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू गो टू द स्टूडेंट लॉगिन आईडी पेज. इस तरह की आपकी वेबसाइट खुलेगी. वेबसाइट में व्हाट यू डू इज स्टूडेंट लॉगिन दिखेगा तुमको, ये ताला खोलूं. व्हेन यू गो टू द स्टूडेंट लॉगिन यू विल गेट दिस स्कॉलर आईडी और पासवर्ड, ये डाल देना आप. ये करके आप लॉगिन प्रेस कर दीजिए. व्हेन यू प्रेस लॉगिन आपको इस तरह से आपका नाम दिख जाएगा, सार्थक जैन CIPCC. मेरा हो गया है फाइनल पास, है ना, डमी बना रखा है मैंने एक. इसके बाद यहाँ पे अपना एक स्टडी मटेरियल नाम का है, दिस इज आर लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, इस पर आप क्लिक करना. तो व्हेन यू क्लिक ऑन द स्टडी मटेरियल, यहाँ पे क्या है, दिस इज जस्ट अ डमी विच आई हैव क्रिएटेड. ऐसे आपको डेट वाइज मिल जाएगा, 25 जनवरी, 27 जनवरी, 29 जनवरी, इस तरह से डेट वाइज आपके पास आ जाएंगे. यहाँ पे पास में क्या होगा, यू विल बेसिकली हैव दिस डाउनलोड ऑप्शन. आप यहाँ पर डाउनलोड क्लिक कर दो, जो भी अपन ने क्लास में लिखा है वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ से यू कैन डाउनलोड इट एंड यू कैन कीप इट विद योर सेल्फ. तो ये PDF फाइल्स हैं, आप सेव करके रख सकते हो. ठीक है, कहीं कोई इंपॉर्टेंट रिवीजन होंगे तो अदर लिंक्स में रिवीजन वीडियोस आ जाएंगे आपके. ठीक है, इनकेस इफ दैट नहीं, अदरवाइज आपके डेली जो भी आपकी डिस्कशन होते हैं क्लास के वो सब आप डाउनलोड करके रख सकते हो. दिस इज गाइज मोर फॉर अ बैकअप परस्पेक्टिव, जस्ट इन केस क्लास में कोई चीज़ कभी मिस हो गई आपकी, तो आप यहाँ से इसको यूज़ करके देख सकते हो. ऑब्वियसली डू नॉट ट्रीट दिस एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर मेकिंग नोट्स इन द क्लास. यानी आप बिंदास आके बोले यार बैठो यहाँ पे, तो आराम से के इन शानदार कुशन चेयर्स में बैठे हैं आराम से, ऑन दीस काउचेस वेर यू आर सिटिंग रिलैक्स, कृपा करके ऐसा ना करें. ऑब्वियसली यू विल हैव टू मेक योर ओन नोट्स. लास्ट में आपके हैंड रिटन नोट्स ही काम आएंगे, आपकी कॉपी आपके काम आएगी. आखिरी में आपके दोस्त की और आपकी कॉपी भी अगर मैं एक्सचेंज कर दूं एग्जाम से पहले, यू विल नॉट फील कंफर्टेबल टू स्टडी आउट ऑफ योर फ्रेंड्स नोटबुक, जस्ट बिकॉज वो अपनी पहचान ही नहीं होती है उससे उस तरह की. तो ऑब्वियसली बात है कि वहां पे कहीं ना कहीं क्या होता है, देयर इज अ कंसर्न. तो हमारी क्लास में हम हमारी नोटबुक 100% कंप्लीट रखेंगे, ये सिर्फ बैकअप के लिए आपके पास रहेगा. तो दिस इज समथिंग विच विल बी देयर विथ यू, दिस विल बी एक्सेसिबल. सेकेंड, एनी काइंड ऑफ अमेंडमेंट्स इफ दे कम इन. अमेंडमेंट्स का रूल क्या होता है, कट ऑफ डेट क्या होती है, कट ऑफ डेट इज 30th April एंड 31st October. 30th April is the cut-off date obviously for November attempt and 31st October is the cut-off date for May attempt. ठीक है, तो ये आपके basically amendments की applicability होती है. Amendments अगर कोई भी आते हैं तो उसके लिए आपको यही system के through update कर दिया जाएगा, SMS आ जाएगा, plus उसके अलावा जितने भी amendments के videos होते हैं ये सब normally YouTube पर डाल दिए जाते हैं. या फिर अपना ये जो स्कॉलर सिस्टम है, इस पर्टिकुलर सिस्टम में आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे अमेंडमेंट्स के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप वीडियोस देख सकते हो या डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हो. तो देयर इज नो टेंशन इन टर्म्स ऑफ द अमेंडमेंट. इंस्टीट्यूट के पब्लिकेशंस में आपको किस चीज़ पे रेलिवेंस या क्या ध्यान में रखने वाली चीज़ें हैं हमारे लिए. ICI की बात करें तो ICI क्या क्या देता है, एक तो स्टडी मटीरियल देता है आपको,
जो पन्नी में जैसा पैक रहता है एग्जाम तक वैसा ही पैक रखते हैं, खोलते ही नहीं है ना अपन। वो जो मॉड्यूल बोलते हैं इसको, क्या खोलेंगे इसमें। इसके हाथ में आता है आपका पीएम, जिससे माना जाता है कि आजकल 60-70 मार्क का पेपर तो यहीं से सॉल्व हो जाएगा कम से कम, है ना। ये हमारे लिए बेसिक इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। देन जो चीज आपको नहीं दी जाती है बट आप साइट पर देख सकते हो, दैट इज बेसिकली अ कंपाइलर और कंपाइलेशन ऑफ पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस। ठीक है, सबसे पहली चीज, इंस्टीट्यूट ने स्टडी मटेरियल 2017 में रिवाइज किया है। सिमिलरली द प्रैक्टिस मैनुअल हैज आल्सो बीन रिवाइज्ड इन 2017। ठीक है, इसका मतलब क्या सर? हमने तो पहले रजिस्टर कर लिया, हमारे पास पूरा पीएम, पुराना पीएम पड़ा हुआ है, तो क्या करें, नया खरीदें क्या? जरूरत ही नहीं है, अपनी क्लास में सब कवर होंगे सारे क्वेश्चंस। आपको चाहिए तो आप डाउनलोड करके रख लो, ऑनलाइन नेट से डाउनलोड हो जाता है, बट यू डोंट नीड टू एक्चुअली बाय इट एज सच। वील बी कवरिंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन। हमारी क्लास में हम क्या कवर करेंगे? पीएम 100% कवर होगा, कंपाइलेशन ऑफ पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस। पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस हम कहाँ से कवर करेंगे? 2003 से 2017, यानी रफली आप देखेंगे तो देल बी सम 28 अटेम्प्ट्स और 25+ अटेम्प्ट्स विच वी नॉर्मली कवर। इसमें हम क्या करते हैं, दो क्वेश्चन अगर एक जैसे हैं, सिर्फ फिगर्स अलग अलग हैं, तो अपन क्लब करके उसको एक ही कर देंगे। ठीक है, आपको बुकलेट्स में मैं क्या करूंगा, आई विल गिव यू वन बुकलेट विच विल बी ऑफ क्वेश्चन आंसर्स विच वी डू इन द क्लास। इसके अलावा एक टीआरपी मिलेगी आपको, थ्योरी रिफ्रेशर एंड प्रैक्टिस बुक। इंस्टीट्यूट ने एक ही तरह के क्वेश्चन अगर दो बार पूछे तो उनको क्लब करके बुक में अपन ने एक क्वेश्चन करा जो क्लास में करेंगे। जो दूसरा क्वेश्चन है वो मैंने आपको टीआरपी में दे दिया, थ्योरी रिफ्रेशर प्रैक्टिस बुक में। कभी आपको लगता है क्लास के सारे क्वेश्चन होने के बाद भी हमारे जीवन में खूब खाली समय बाकी है और हम और पढ़ना चाहते हैं और क्वेश्चन देखना चाहते हैं, तो आप टीआरपी उठा के वहां से सिमिलर सेट ऑफ क्वेश्चन कर सकते हैं। देयर विल बी मोर ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन डूइंग सिमिलर क्वेश्चन इफ नॉट द सेम। ठीक है, तो 100% अपन प्रैक्टिस मैनुअल और कंपाइलेशन ऑफ फर्स्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस क्लास में कवर करेंगे और एज इन डेज में दोनों तरह से कवर करेंगे। इसके अलावा आप ध्यान रखना कि जनवरी और जुलाई में इंस्टीट्यूट क्या करता है, नोटिफिकेशन पब्लिश करता है। और ये जो नोटिफिकेशन पब्लिश होता है ये क्या होता है, आपको कौन कौन सी चीजें आपके अटेम्प्ट में आने वाली हैं इसकी एप्लीकेबिलिटी बताता है। तो जनवरी जुलाई यू गेट अ नोटिफिकेशन विच बेसिकली प्रोवाइड्स यू द एप्लीकेबिलिटी फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट ऑफ वेरियस स्टैंडर्ड्स वगैरह। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ सो दैट यू हैव दीज थिंग्स विथ यू, यू एग्जैक्टली नो कौन सी चीज कब आती है। इसके अलावा इंस्टीट्यूट आरटीपी पब्लिश करता है जो यूजुअली जनवरी जुलाई एंड में आ जाती है। ठीक है, क्या आरटीपी के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं? हाँ, ऐसा देखा गया है कि 2-3 अटेम्प्ट पहले की आरटीपी ज्यादा काम की आती है, यानी इस अटेम्प्ट के आरटीपी के क्वेश्चन नॉर्मली इंस्टीट्यूट अभी नहीं पूछेगा, 1-2 अटेम्प्ट बाद पूछे। उस हिसाब से पिछली 3 आरटीपी तो आप देख ही लेना। ठीक है, आरटीपी में अगर कोई अमेंडमेंट या कोई अलग तरह के सवाल आते हैं तो फिर वो भी अपन अमेंडमेंट्स के रूप में साथ में कवर कर लेते हैं। बाकी अदरवाइज यू शुड सी द आरटीपी ऑन योर ओन बिफोर यू आर डूइंग योर एग्जाम प्रिपरेशन एज सून एज इट इज पब्लिश्ड, एक बार उसको देखना चाहिए। ये आईसीआई के भिन्न भिन्न प्रकार के मटीरियल हैं जिसका अपने लिए अलग अलग प्रकार का यूज होगा। ठीक है, तो ऑल इन ऑल दिस इज बेसिकली सर्टेन सेट ऑफ थिंग्स व्हिच आई एक्चुअली वांटेड टू टेल यू। आई होप आई हैव कवर्ड ऑल द इंपॉर्टेंट रेलेवेंट सेट ऑफ थिंग्स विद रिस्पेक्ट टू द बैच इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी विल बी डूइंग। ठीक है, यू हैव एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? चलो शुरू कर सकते हैं अब अपन अपना टॉपिक। चलिए तो व्हाट वी विल डू इज नाउ लेट अस स्टार्ट विद आवर डिस्कशन टुडे फर्स्ट। चलिए दोस्तों निकाल लीजिए अब आप अपनी काफी किताबें और शुरू करेंगे आज हम सबसे पहला डिस्कशन हमारा किसका। चलिए तो व्हाट वी विल स्टार्ट, द वेरी फर्स्ट थिंग व्हिच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे इज गोइंग टू बी अ कंप्लीट डिस्कशन ऑन एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स and Indian accounting standards।
सबसे पहली चीज एप्लीकेबिलिटी ऑफ एएस एंड इंडेस। उससे पहले बहुत बताओ, अपन इंडेस इंडेस बोल रहे हैं कि इंडेस इंडेस क्या है ये? इंडेस इंडेस व्हाट आर इंडेस एग्जैक्टली? क्या है क्या ये? जी एएस और आईएफआरएस के बीच में। बहुत बढ़िया, सही बात है। इंटरनेशनल वर्जन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और आई शुड रादर पुट इट लाइक इंडियन वर्जन ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। इट्स लाइक अ पनीर टिक्का पिज्जा, है ना? पनीर टिक्का पिज्जा मतलब क्या है? तुमको लगता है इटली में पनीर टिक्का पिज्जा मिलता होगा? पिज्जा ऑब्वियसली इज एन इटालियन डिश, किसी को अगर लगे नहीं तो हमने इजाद किया था, घर पे मम्मा बनाती थी। पनीर टिक्का पिज्जा तुमको लगता है इटली में मिलता हो? सवाल ही नहीं उठता। वहां जाके पूछो कि खैर, अपन तो वहां जाके अपना पिज्जा ही दिखाएंगे तो बोलेंगे पिज्जा है। ऑब्वियसली क्या है, इटालियन पिज्जा अगर ट्रूली ऑथेंटिक भारत में आए तो प्रैक्टिकली हम उसको क्या कर पाएंगे? रिजेक्ट कर देंगे, वी नॉट बी एबल टू यूज इट कम्प्लीटली, काम ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अपना टेस्ट उनके टेस्ट से मैच ही नहीं करता। अपने को तो क्या पिज्जा में भी जीरावन होना, स्पाइस। तो क्या किया गया, वहां के पिज्जा के टेस्ट को भारत के टेस्ट से सूट करने के लिए क्या किया, हमने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। सेम हैपेंस इन केस ऑफ व्हाट? इंडेस। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं इंडेस इज लाइक अ हाफ गर्लफ्रेंड? हाफ नहीं, आप उसको 80% गर्लफ्रेंड बोल सकते हो, 20% नहीं। किसी ने देख ली तो पछता रहे, बोले यार मेहनत का स्टाइपेंड खर्च हो गया वहां पर। अज्यूमिंग मिलता है आपको और वापस नहीं लिया जाता। खैर, इंडेस एग्जैक्टली आर द इंडियन वर्जन ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को क्या बोलते हैं दोस्त? आईएफआरएस या आईएएस? बोथ। सबसे पहली चीज समझिए, आई विल जस्ट गिव यू अ वेरी क्विक बैकग्राउंड बिफोर वी स्टार्ट विद आवर डिस्कशन। सन 1973, यानी आज से कुछ 44 years अगो, समबडी थॉट वॉट वी आर डूइंग नाउ। समबडी थॉट दैट इन फ्यूचर देर इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम आएगी? बहुत सिंपल सी समस्या ये आएगी कि जब एक कंट्री का इन्वेस्टर दूसरी कंट्री की कंपनी में पैसा लगाएगा तो वो उस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखना चाहेगा। समस्या ये होगी कि उस कंपनी जो दूसरी कंट्री की है के फाइनेंशियल्स वहां की अकाउंटिंग पॉलिसी के अनुसार बने होंगे, जिसके बारे में मुझे ज्ञान नहीं होगा। तो से वॉरेन बफेट फ्रॉम यूएस वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट इन अ कंपनी विच इज वर्किंग आउट ऑफ यूके, ही विल नॉट बी रियली एबल टू इंटरप्रेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्योंकि उसको यूके के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में यूज हो रही अकाउंटिंग पॉलिसीज का नॉलेज नहीं है। तो बताइए फिर क्या होगा? या तो वो यूएस के बाहर इन्वेस्ट नहीं करेगा, या यूएस की बाहर की कंपनी अगर चाहती है कि वो वॉरेन बफेट से इन्वेस्टमेंट ले तो वो एज पर यूएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जिनको यूएस गैप्स बोला जाता है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, एज पर यूएस गैप्स वो लोग अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड्राफ्ट करके देंगे वॉरेन बफेट साहब को कि भाई आप लीजिए और पैसा लगाइए। सपोज चाइना के जैक मा अलीबाबा के ओनर, इफ ही वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट इन अ कंपनी इन यूके, तो यूके की उस कंपनी को फिर एज पर चाइनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के जैक मा को देना पड़ेंगे, एंड देन ही विल डिसाइड वेदर टू इन्वेस्ट। जैक मा अलीबाबा के ओनर,
अब उन्होंने रिसेंटली पेटीएम में इन्वेस्टमेंट किया, उससे पहले स्नैपडील में उनका इन्वेस्टमेंट था। अब जब ये इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऑब्वियसली बात है फाइनेंशियल्स देखेंगे, फाइनेंशियल्स देखेंगे तो प्रॉब्लम ये है कि वो फाइनेंशियल्स में हो सकता है जो पॉलिसी यूज हो रही हो वो उनके लिए एकदम नहीं है। इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट यूएस इज डूइंग अकाउंटिंग ऑन फेयर वैल्यू बेसिस, वेर एज यूके हैज बीन डूइंग अकाउंटिंग ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस। इस एक छोटे से डिफरेंस से ही पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के इंटरप्रिटेशन बिगड़ जाएंगे। 1973 somebody thought this problem is going to come and that is the time when they started initiated the process of having a uniformly standard set of accounting standards. It's just like having one common language like English running across the globe so that it is easy to communicate. उनकी इस पूरी मेहनत को 2002 में कुछ सफलता मिली जब बहुत सारी कंट्रीज ने बोला हाँ यार इसकी जरूरत है। बहुत बड़ा चेंज आया 2006 में जब यूएस ने कहा कि अगर बाहर की कोई कंपनी यूएस में आके यूएस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग कराना चाहती है तो अगर वो एज पर इंटरनेशनल नॉर्म्स, 1973 में जो कमिटी बनी थी उसका नाम था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी, जिसने आईएफआरएस जिसको पहले बोलते थे आईएएस नाम के स्टैंडर्ड्स देना शुरू किए। 2002 में जब बहुत सारी कंट्रीज उसमें शामिल हो गई तो उसको रिफॉर्म किया गया आईएएसबी के नाम से, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, और उसके बाद से फिर उन्होंने जो स्टैंडर्ड देना शुरू किया उसका नाम रखा आईएफआरएस। पहले क्या होते थे आईएएस, फिर क्या है आईएफआरएस। अभी क्या हो रहा है, धीरे धीरे आईएएस विड्रॉ होते जा रहे हैं और उसके बदले में आईएफआरएस आते जा रहे हैं, पर आज की तारीख में आप देखोगे तो वी जस्ट हैव 15 आईएफआरएस, whereas there were some 41 IAS international accounting standard. तो वो 41 international accounting standard में बीच बीच में से थोड़े थोड़े standards निकाले जा रहे हैं और उसके बदले में क्या आते जा रहे हैं IFRS. आज की तारीख में हमारे सामने क्या है IAS या IFRS, दोनों है। लेकिन हो सकता है आज से 10 15 20 साल बाद सारे IAS कन्वर्ट होके सिर्फ क्या बचे IFRS। 2006 में यूएस ने यह कहा कि हम तो हमारी कंट्री की कंपनीज को यूएस के ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने का कहेंगे, यानी यूएस आज भी यूएस गैप ही फॉलो करता है, लेकिन उन्होंने ये एक्सेप्शन दे दिया, एग्जम्पशन दे दिया कि कोई बाहर की कंपनी यूएस में स्टॉक एक्सचेंज लिस्टिंग कराती है, एंड आई होप यू नो दिस दैट एवरी कंपनी वुड हैव ड्रीम टू गेट लिस्टेड ऑन द यूएस स्टॉक एक्सचेंज, तो फिर हमें एज पर यूएस गैप उनके अकाउंट्स की जरूरत नहीं है। अगर वो एज पर आईएफआरएस अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करके फाइल कर देते हैं तो इवन देन वी विल एक्सेप्ट इट। और ये एक बहुत बड़ा पुश था आईएफआरएस के लिए। इसके साथ फिर कई सारी कंट्रीज ने लोकल लेवल पर भी क्या कर दिया, शुरू कर दिया, क्या एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया आईएफआरएस। कंट्रीज लाइक मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज, ये शुरुआत सारी हुई थी यूके में 1973 में, तो सारी यूरोपियन कंट्रीज ने बोल दिया कि आप चाहो तो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर आईएफआरएस बना लो या एज पर यूके गैप्स बना लो, ऑप्शन है कंपनी के पास, जो फॉलो करना है करो, अगर आप एज पर आईएफआरएस बनाओगे तो भी एक्सेप्टेबल है। इनफैक्ट आप यूके में सीए करने जाओगे तो वहां के सीए में आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं कि आप सीए कर रहे हो तो आपका जो पेपर है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, whether you like to take that paper with international standards or UK based standards, आपके पास ऑप्शन है, दोनों में से कोई भी एक चूज करके आप वो एग्जाम दे के पास कर सकते हो, आपको फिर दूसरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं क्योंकि वहां पर अलाउड है। अब ऑब्वियसली बात है कि इंडियन कंपनीज को भी पैसे तो लेना थे बाहर के इन्वेस्टर से, तो इंडियन कंपनीज क्योंकि भारत में एस लग रहे थे तो वो क्या करती थी बाहर से पैसे लेने के लिए एज पर IFRS अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रीड्राफ्ट करती थी और उनको देती थी। सुनने में बहुत आसान लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को IFRS के अनुसार बना लो, बट दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं। क्यों? पहला कारण, आसान नहीं होता है कन्वर्ट करना। दूसरा कारण, आप प्लानिंग नहीं कर पाओगे। आप बताओ जब आपको आपके प्रॉफिट्स के बारे में ही जानकारी नहीं है तो आप कैसे अपने फ्यूचर की प्लानिंग करोगे? क्यों सर प्रॉफिट के बारे में जानकारी क्यों नहीं है, ऐसा क्यों बोला मैंने?
एज पर ईएस प्रॉफिट अलग आएंगे, एज पर आईएफआरएस इंड एज प्रॉफिट से अलग आते। तो मैं कोई एक ट्रांजैक्शन करता हूँ तो दिमाग में होता है ना कि इसका इम्पैक्ट पीएनएल में क्या होगा। अब उसका इम्पैक्ट ही पीएनएल में अगर दोनों में अलग अलग जा रहा है तो मेरी पूरी फ्यूचर प्लानिंग भी कहीं ना कहीं तो फेल होती। तो दी इंडियन एंटिटीज वर फेसिंग चैलेंजेस टू फॉलो ड्यूअल स्टैंडर्ड्स, वन फॉर इंडियन रिपोर्टिंग पर्पजेस कंप्लायंस पर्पज एंड वन फॉर फॉरन इन्वेस्टर पर्पजेस। देन वी टुक दिस इनिशिएटिव स्टार्टिंग इन 2007 और ग्रेजुअली फिर फाइनली वो दिन आया कि जहां पर हमने क्या किया, आईएफआरएस अडॉप्ट किए। हालांकि सवाल ये उठा कि क्या हम आईएफआरएस को एज इट इज अडॉप्ट कर लें या उसे मॉडिफाई करें। तो भारत में वी वर नॉट इन द पोजिशन टू अडॉप्ट आईएफआरएस एज इट, जिसको बोलते हैं वी कुड नॉट कन्वर्ट आवर सेल्स टू आईएफआरएस, वी कुड ओनली कन्वर्ज टू आईएफआरएस। कन्वर्जेंस मीन्स वी विल डू समथिंग विच इज सिमिलर टू आईएफआरएस बट नॉट एग्जैक्टली द सेम। ऐसा क्यों, व्हाई डिडंट वी कन्वर्ट आवरसेल्व्स टू आईएफआरएस एंड व्हाई डिड वी कन्वर्ज, हम क्यों एज इट इज आईएफआरएस फॉलो करना शुरू नहीं कर दिए और उसके जैसे स्टैंडर्ड्स बनाकर उन्हें फॉलो किया। एनी कमेंट्स, क्यों किया अपन ने ऐसा? एनी रीजंस फॉर इट? एज इट इज अडॉप्ट कर लेते आईएफआरएस, मेहनत भी नहीं करना पड़ती। क्या आईएफआरएस की इंग्लिश बहुत टफ है, भारत में नहीं आती समझ में? बेसिक वन बिग रीजन वॉज लॉ। आईएफआरएस कहता है, आईएफआरएस आईएएस 1 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 कहता है इफ देर इज अ डिफरेंस बिटवीन वॉट द आई एफ आर एस आई ए एस सेज एंड वॉट द लॉ सेज यू विल फॉलो आई एफ आर एस। यानी आई एफ आर एस में क्या बोला हुआ है कि अगर लॉ में और स्टैंडर्ड्स में डिफरेंस आया तो आप क्या फॉलो करोगे, स्टैंडर्ड। ऐसा आई एफ आर एस में बोलना बहुत जरूरी है, क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने बोल दिया आप लॉ फॉलो करो तो फिर स्टैंडर्डाइजेशन कहाँ हुआ? हर कंट्री के लॉ अलग अलग तो हर कंट्री की अकाउंटिंग अलग अलग। अब ऑब्वियस सी बात है इंडियन सिनेरियो में अपन ये नहीं बोल सकते थे। क्यों? क्योंकि आज भी हमारे यहां पर अकाउंटिंग करने का एक बहुत बड़ा कारण क्या है, आज फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम प्रेजेंट करते हैं, मेजॉरिटी लोग आज फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है, फंडिंग लेना या टैक्स कैलकुलेशंस। आप देखो, आप ऑफिस में भी देखते होंगे तो आपके मेजॉरिटी ऑडिट जो होते हैं वो टैक्स ऑडिट प्रेरित ही होते हैं। कंपनी की मेजॉरिटी प्लानिंग भी ऑडिट में रहती है, वो टैक्स सेविंग की रहती है। वो तो बहुत लिमिटेड सेट ऑफ एंटिटी होती है जो फंडिंग लेना चाहती है, वो भी इक्विटी फंडिंग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उनके लिए क्या है इश्यू है कि यार मैं बाहर के इन्वेस्टर से फंडिंग लूंगा तो उसको यहाँ के स्टैंडर्ड्स पता नहीं। तो हमने बोला कि यार हम इसके लिए ऐसा नहीं कर सकते कि हम एज इट इज क्या फॉलो करना शुरू कर दें आईएफआरएस। तो हमने बोला इंडियन सिनेरियो को सूट करते हुए कीपिंग मिनिमम डिफरेंसेस वी विल कन्वर्ज आवरसेल्व्स टू आईएफआरएस। एंड ऑब्वियसली जिस दिन ये डिसीजन लिया गया एक बात तय हो गई कि अब हमको आईएफआरएस जैसे स्टैंडर्ड्स बनाना पड़ेगा, और वहां से फिर जन्म हुआ इंडेस का। तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एज सच आर व्हाट, द इंडियन वर्जन ऑफ आईएफआरएस। आर दे सेम एज व्हाट आईएफआरएस आर? नो। आर दे सिमिलर टू आई एफ आर एस? यस। तो फिर एक बात बताओ, अगर कोई कंपनी इंडियन एएस फॉलो कर रही है तो क्या उसके स्टेटमेंट्स इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होंगे या नहीं होंगे? नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि डिफरेंस तो है। तो इसके लिए इंस्टीट्यूट ने क्या किया, सारे डिफरेंसेस को लिस्ट कर दिया और इन डिफरेंसेस को कहा गया कार्विन कार्व आउट्स। ये कार्विन कार्व आउट का क्या मतलब है? डिफरेंस बिटवीन इंड एस एंड एंड आई एफ आर एस। और इसमें दो तरह के डिफरेंस होते हैं, एक डिफरेंस जिससे आई एफ आर एस का कॉन्ट्रावेंशन होता है, एक डिफरेंस जिससे आई एफ आर एस का कॉन्ट्रावेंशन नहीं होता है। मतलब क्या है दोनों में? जैसे IFRS बोलता है कि इन्वेंटरी वैल्यूएशन कैन बी डन यूजिंग फीफो वेटेड एवरेज लीफो, कोई भी मेथड। हम बोलते हैं इट कैन बी डन यूजिंग फीफो और वेटेड एवरेज मेथड। आप बताओ इज देयर अ कॉन्ट्रावेंशन?
क्या मैं IFRS को कॉन्ट्रावीन कर रहा हूँ? नहीं कर रहा, क्योंकि IFRS में तीन मेथड अलाउड है, फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज। मैं उसमें से सिर्फ दो ही मेथड अलाउ कर रहा हूँ, यानी यहाँ पे मैंने IFRS में दिए गए ऑप्शंस में से क्या किए, थोड़े से रिस्ट्रिक्टेड ऑप्शंस दे दिए। इससे ऐसा नहीं होगा कि हम IFRS कंप्लाई नहीं करेंगे। हाँ, उल्टा होता तो नॉन कंप्लायंस होता। IFRS बोलता सिर्फ फीफो फॉलो करो और हम बोलते फीफो या वेटेड एवरेज फॉलो करो, तो फिर कॉन्ट्रावेंशन होता। तो डिफरेंस दो तरह के होते हैं, एक डिफरेंस जिससे कॉन्ट्रावेंशन नहीं होता, सिर्फ हमारे ऑप्शंस लिमिटेड हो जाते हैं, और एक डिफरेंस जिससे कॉन्ट्रावेंशन होता है, हमारे ऑप्शंस अलग हो जाते हैं। जिससे अलग हो जाते हैं वो कार्व आउट्स, जिससे नहीं होते वो कार्वेंस। यानी कार्वन कार्व आउट्स बेसिकली आर डिफरेंस बिटवीन IFRS एंड इंड एज। सम विल लीड टू कॉन्ट्रावेंशन ऑफ IFRS, सम विल नॉट। मैं नोटिंग कराऊंगा IFRS के एंगल से इसको, पॉइंट से, बट समझ में आया आपको? हम क्लास में क्या पढ़ने वाले, वी विल स्टडी एस एंड इंडेस, पर हमें कंपैरिजन क्या पढ़ना पड़ेगा, इंडेस का IFRS से। उसे क्या बोलेंगे अपन, कार्विन कार्व आउट। कार्विन मतलब कॉन्ट्रावेंशन नहीं है पर डिफरेंस है, कार्व आउट मतलब कॉन्ट्रावेंशन है, डिफरेंस है। तो IFRS जैसे बोलता है कि अगर लॉ और IFRS में क्लैश हो तो लॉ नहीं IFRS फॉलो करो, लेकिन इंडेस बोलता है कि अगर लॉ में और इंडेस में कॉन्ट्रावेंशन हो तो आप इंडेस फॉलो करो। आप बताइए क्या यहां पे IFRS और इंडेस सेम है या अलग अलग है? IFRS बोलता है IFRS विल प्रिवेल ओवर लॉ, इंडेस बोलता है लॉ विल प्रिवेल ओवर इंडेस। आप बताइए ए, इज देयर अ डिफरेंस? Yes. B, is it a carve out or not? Yes. क्या इससे देखा जाए तो IFRS कॉन्ट्रावीन हो रहे हैं क्या? Yes. आया समझ में? आया। लेकिन वही FIFO, LIFO, वेटेड एवरेज IFRS अलाउ करें और हमसे FIFO, वेटेड एवरेज अलाउ करें तो देर इज अ डिफरेंस बट इट विल नॉट लीड टू अ कार्व आउट, इट इज एक्सेप्टेड, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नोट करेंगे अपन, समझेंगे इसको। तो हम जो चीजें पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ेंगे, एस इंडेस और उसके बाद में कार्बन कार्बाउट्स। ये तीन चीजें पढ़ के हमारा पूरा सिलेबस क्या होगा, कवर होगा। अभी अपन पहले शुरुआत कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं, वी आर डूइंग अ डिस्कशन ऑन एप्लीकेबिलिटी ऑफ एस एंड इंडियन एस। क्लास में हम लोग एस को एस बोलेंगे, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इंडेस बोलेंगे और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को IFRS बोलेंगे। हालांकि कुछ IFRS के नाम आपको क्या मिलेंगे, IFRS या IAS, IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बट अपन रेफर करेंगे उसको एज इन IFRS। ठीक है, उस मैटर पे अपन आते हैं। पहले लेट अस कम टू AS एंड IndAS। ठीक है, IndAS की और AS की एप्लीकेबिलिटी समझ रहे हैं अपन। सबसे पहली बात, IndAS की एप्लीकेबिलिटी आज की तारीख में सिर्फ कंपनीज पर है, यानी नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज आर स्टिल फॉलोइंग व्हाट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। दैट मींस इफ आई टॉक अबाउट कॉर्पोरेट एंटिटीज, आर डिस्कशन इज व्हाट वी आर डूइंग। फॉर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज दे हैव टू कंपल्सरली फॉलो व्हाट, फॉर फॉलो व्हाट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, चलिए, तो हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन जो होने वाला है वो पूरा डिस्कशन सिर्फ किसके ऊपर है अभी, कंपनीज पे, क्योंकि नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज they are only covered under AS. Companies क्या follow करेंगी, AS या IndAS? तो companies के ऊपर AS और IndAS की applicability समझने के लिए आपको क्या समझना है, applicability समझो किसकी, IndAS की। बची हुई सारी कंपनियां क्या follow करेंगी, AS। ठीक है, तो बेसिक रूल क्या है कंपनीज के केस में, बेसिक रूल फॉर कंपनीज इज देर आर टू कैटेगरीज ऑफ कंपनीज। वन, कंपनीज दैट आर कवर्ड अंडर
कंपनीज दैट आर कवर्ड अंडर कंपनीज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2015, दे हैव टू फॉलो वॉट इंड एज. ऑल दी अदर कंपनीज विल बी कवर्ड अंडर कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2006, दे विल बी फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. यानी एग्जाम में अगर एप्लीकेबिलिटी का सवाल आए तो हमारे रेफरेंस में दो रूल्स आएंगे, कंपनीज इंड एस रूल्स और कंपनीज एएस रूल्स. इंड एस रूल्स 2015 अमेंडेड इन 2016, अगेन रिसेंटली अमेंडेड इन 2017. अभी अप्रैल 2017 में रिसेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं वापस से इंड एस के रूल्स में. ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना, अदर कंपनीज इफ दे वॉन्ट टू ऑप्ट फॉर इंड एस दे कैन. दैट मीन्स कंपनीज, अदर कंपनीज विच आर कवर्ड अंडर कंपनीज इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2006, दे विल बी फॉलोइंग व्हाट? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. अनलेस दे डू व्हाट? अनलेस सच कंपनीज वॉलंटरली अडॉप्ट, बोलो क्या? इंड एस. फिर ऑब्वियसली बात है, ये लोग क्या लगनाने लग जाएंगे, दे विल स्टार्ट फॉलोइंग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. ठीक है, और एक बेसिक सी चीज ध्यान रखना आप, इंड एस में देर इज नो एग्जिट क्लॉज. क्या मतलब नो एग्जिट क्लॉज? वंस यू आर कवर्ड इन इंड एस, यू विल फॉर एवर बी फॉलोइंग इंड एस. ठीक है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ आने के दरवाजे हैं, जाने के दरवाजे है ही नहीं. वंस एप्लीकेबल, वंस अ कंपनी इज कवर्ड और अडॉप्ट्स इंडेस, इट विल ऑलवेज बी कवर्ड अंडर इंडेस. यानी एक बार आप कवर हो गए या अडॉप्ट कर लिया, अडॉप्ट कर लिया मतलब कब? अडॉप्ट कब करेगी कंपनी? वॉलंटरी केस में. फिर आप बाहर नहीं निकल सकते, एग्जिट क्लॉज नहीं, खत्म हो गई बात. ठीक है, अब अपने को क्या समझना है, कंपनीज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स क्या कहते हैं, उसकी एप्लीकेबिलिटी कैसी दी गई. ठीक है, तो लेट अस कम टू कंपनीज अकाउंटिंग, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स एंड लेट अस डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी देयर. चलो अब हम आ जाओ, आप लोग अगले पेज पे आ जाओ नोट्स में, और चलिए लेट्स अंडरस्टैंड नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू. अब हम कंपनीज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स देख रहे हैं. ठीक, एप्लीकेबिलिटी समझो दोस्त, अप टू 31 मार्च 2015 31 मार्च 2015 तक ईच एंड एवरी कंपनी वॉज कवर्ड अंडर एवरी कंपनी वॉज कवर्ड इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. सब पे सिर्फ एएस लगते थे. ठीक है, नेक्स्ट,
फॉर 2015-16, राइट। अच्छा, आपको ये पता ही होगा कि अब अकाउंटिंग ईयर फिक्स हो गया है अप्रैल से मार्च। कंपनीज एक्ट 2013 ने फिक्स कर दिया है। शुरू में उन्होंने 2 साल तक आपको ट्रांजिशन फेज अलाउ किया था। दैट मींस 31 मार्च 2000 फर्स्ट टाइम व्हेन द कंपनीज एक्ट केम इन, 31 मार्च 2016 तक उन्होंने अलाउ किया था ट्रांजिशन फेज, जिसमें कहा था कि आपका अकाउंटिंग ईयर और कुछ भी हो तो फिर आप क्या कर सकते हो, उसको स्विच ओवर चेंज कर लो। बट अब हर कंपनी का अकाउंटिंग ईयर फिक्स हो चुका है 1 अप्रैल से 31 मार्च। इसका एकमात्र एक्सेप्शन वो है कि अगर या तो कोई स्टैचुटरी रिक्वायरमेंट है, या फिर अगर आपकी कोई फॉरेन कंपनी है जिसका अकाउंटिंग ईयर अलग है, और आप अपनी फॉरेन कंपनी के साथ कंसोलिडेट करने के लिए अपना अकाउंटिंग ईयर बदलना चाहते हो, तो यह वो फॉरेन होल्डिंग और सब्सिडरी विच हैज अ सेपरेट अकाउंटिंग पीरियड, जैसे यूएस में अकाउंटिंग पीरियड जैन टू डिसम्बर चलता है, आपको उससे करस्पॉन्ड करना है बिकॉज यू आर अ सब्सिडरी ऑफ अ यूएस होल्डिंग कंपनी। देन इन दैट केस यू कैन अप्लाई टू द ट्राइब्यूनल एंड यू कैन टेक अ स्पेसिफिक परमिशन, एंड द परमिशन इज ग्रांटेड देन योर अकाउंटिंग ईयर कैन बी एक्सेप्ट अप्रैल टू मार्च। अदरवाइज आपका अकाउंटिंग ईयर अब अप्रैल से मार्च फिक्स हो गया। अभी मोदी जी इवेल्युएट कर रहे हैं कि क्या हम इसे चेंज करके जैन टू दिसंबर कर सकते हैं, बट फॉर द टाइम बीइंग इट इज अप्रैल टू मार्च। तो 2015-16 का मतलब हो गया अकाउंटिंग पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2050। यहां पे क्या बोल दिया था, वॉलंटरी एप्लीकेबिलिटी, वॉलंटरी अडॉप्शन ऑफ इंड एस परमिटेड, वॉलंटरी अडॉप्शन का मतलब मैंडेटरी क्या है अभी भी, या उस समय क्या मैंडेटरी था? यानी वॉलंटरली आप चाहो तो किस पे जा सकते हो, इन डेज पे। मैंडेटरी तो आपको क्या फॉलो करना है। टेक्निकल भाषा में अगर बोलें तो इसको ऐसा बोलते थे, अकाउंटिंग पीरियड कमेंसिंग फ्रॉम ऑन और आफ्टर, फर्स्ट अप्रैल 2015, ठीक है। पर अब अपन इसको ईयर से ही डिनोट करेंगे। अब आ जाइए आप 2016-17, यानी जो अभी रीसेंट फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, यहां से अब इंड एस मैंडेटरी बेसिस पर एप्लीकेबल होना शुरू हो गए, ठीक। तो इफ यू टॉक अबाउट 2016-17, इंड एस किस पर लगाया गया, अब इसको आप ध्यान से समझना। आई एम डिवाइडिंग माई होल चार्ट इंटू टू पार्ट्स। इंडेस किस पे लगेगा, बाकियों पे क्या लगना है, एएस। व्हाट आर द एंटिटीज विच विल फॉलो इंडेस, सबसे पहली बात, इफ यू आर अ बैंक, कमर्शियल बैंक, और होल्डिंग सब्सिडरी जॉइंट वेंचर और एसोसिएट ऑफ अ बैंक, ठीक है। इनफैक्ट इसको आप ऐसा बनाए, इंड एस और एएस क्या लगेगा, अपन ये डिस्कस कर रहे हैं, ठीक। इफ यू आर अ बैंक और अ होल्डिंग सब्सिडरी जॉइंट वेंचर और एसोसिएट ऑफ अ बैंक, यू विल हैव टू फॉलो एएस। सेकेंड, इफ यू आर एन इंश्योरेंस कंपनी यू विल स्टिल हैव टू फॉलो एएस। इफ यू आर अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी यू स्टिल हैव टू फॉलो एएस। लेट अस से दिस इज ए बी
सी। तो अब कैटेगरी हमारी बचेगी क्या, कंपनीज अदर देन ए बी सी। इसमें वी विल कैटेगराइज देम इनटू टू पार्ट्स, कंपनीज विथ नेटवर्थ ऑफ मोर देन इक्वल टू 500 करोड़। सर नेटवर्थ क्या होता है? सर ये कौन सी तारीख पर देखना है? ये सब चीजें अपन डिस्कस करेंगे आगे। सर होल्डिंग क्या होता है? ज्वाइंट वेंचर क्या होता है? सब्सिडरी क्या होता है? दीज आर थिंग्स विच विल टेक अप। पहले अपन लिमिट्स लिख लेते हैं एक बार के लिए। अगर आपकी कंपनी की नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, 500 करोड़ और मोर, हालांकि नेटवर्थ विल बी एज पर कंपनीज एक्ट, एंड ये डेट दी गई थी 31 मार्च 2014 या उसके बाद, वो नोट करते हैं अपन। अगर ये क्रॉस करते हैं तो आपको क्या फॉलो करना पड़ेंगे? दिस इज दी ओनली सेट ऑफ कंपनी विच विल हैव टू नाउ कंपल्सरिली बी कवर्ड और फॉलोइंग व्हाट इंडेस। अब आप बताएं बची हुई कंपनी क्या फॉलो करेंगे? नाउ अदर कंपनीज विल हैव टू राइट वॉलंटरली अडॉप्टिंग, क्या वॉलंटरली अडॉप्टिंग इंड एज, इन्हें क्या फॉलो करना पड़ेगा बोलो? कंपनी एंड इट्स होल्डिंग सब्सिडरी जेवी एसोसिएट टू देन फॉलो इंड एज विथ नो एग्जिट क्लॉज। दिस इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। और यहां भी आप लिखें कंपनीज जिनकी नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है वो क्या फॉलो करेंगी? इंड एज। कौन फॉलो करेगा? इंड एज विल अप्लाई टू सच कंपनीज एंड इट्स होल्डिंग सब्सिडरी जेवी एसोसिएट। अब ये ग्रुप कंपनी का फंडा समझना पड़ेगा थोड़ा सा आपको। टेल मी वन थिंग, वॉट विल हैपन इफ आई एम कवर्ड अंडर इंड एज एंड माई सब्सिडरी इज कवर्ड अंडर एज, क्या होगा? कंसोलिडेशन में प्रॉब्लम आएगी। क्या प्रॉब्लम आएगी? दोनों की अकाउंटिंग पॉलिसीज, प्रेजेंटेशन फॉर्मेट अलग अलग होंगे। तो क्या अकाउंटिंग पॉलिसी अगर अलग अलग होती है तो कंसोलिडेशन करते समय हमारी पॉलिसी सेम करना जरूरी है क्या? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 और इंड एज 110 विच टॉक्स अबाउट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। व्हाट इज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट? ऐसा है कि सपोज फॉर एग्जाम्पल आपने किसी पर्टिकुलर कंपनी के मेजर शेयर्स खरीद रखे हैं, यानी आपका उसके ऊपर कंट्रोल है। सपोज मैंने किसी कंपनी के 100% शेयर खरीद रखे, तो समस्या यह है कि मेरी कंपनी में क्या दिखेगा? इन्वेस्टमेंट इन अनादर कंपनी। 100% शेयर 100 करोड़ में खरीदे तो दिखेगा इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड से सब्सिडरी कंपनी 100 करोड़, खत्म। सेकंड, सेकंड इश्यू ये आएगा कि क्योंकि मेरा इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ अनादर कंपनी है, इसलिए उस कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाए मैं अपनी बुक्स में दिखा नहीं पाऊंगा जब तक कि वो कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती। क्योंकि भारत में शेयर्स की इनकम अक्रूअल बेसिस पे नहीं, कैश बेसिस पे बुक होती है।
यानी अगर मेरे पास रिलायंस के 1% शेयर हैं और इस साल रिलायंस ने सपोज 1 लाख करोड़ कमाए, तो मैं उस 1 लाख करोड़ में अपना 1%, 1,000 करोड़ अपनी बुक्स में इनकम बुक नहीं कर पाऊंगा जब तक रिलायंस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी। पर रिलायंस ने अगर 0 डिविडेंड बांटा तो मेरी इनकम इस साल रिलायंस से 0 आएगी, डिस्पाइट द फैक्ट कि मेरे पास उसके 1% शेयर है। अब प्रैक्टिकली स्पीकिंग, अगर कोई कंपनी मेरे कंट्रोल में है तो उसके प्रॉफिट्स पे भी मेरा कंट्रोल है, तो उसके प्रॉफिट वो बांटे या ना बांटे मेरी बुक्स में आना चाहिए। इस उद्देश्य से कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, जिसमें क्या करते हैं, होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के साथ अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्लब कर देती है। ऐसी क्लबिंग करने की जरूरत सिर्फ सब्सिडरी के साथ नहीं होती है, ज्वाइंट वेंचर और एसोसिएट्स के साथ होती है। ब्रीफ में, अगर आपका कंट्रोल यानी मेजॉरिटी वोटिंग पावर या मैनेजमेंट पे कंट्रोल है तो वो आपकी सब्सिडरी कहलाती है। ब्रीफ में, अगर दो या दो से अधिक लोग मिलके जॉइंटली कंट्रोल करते हैं तो जॉइंट वेंचर कहलाता है। लेकिन अगर आपका कंट्रोल नहीं पर इन्फ्लुएंस है, जो माना जाता है नॉर्मली 20% या उससे अधिक वोटिंग पावर पर आता है, तो वो आपकी एसोसिएट कहलाती है। एसोसिएट, जॉइंट वेंचर और सब्सिडरी, इन तीनों ने जो प्रॉफिट इस साल कमाए हैं, भले ही डिविडेंड के रूप में बांटे नहीं हैं, फिर भी उसके प्रॉफिट में जो मेरा हिस्सा है, वो हिस्सा मैं अपनी बुक्स में बुक करना चाहूंगा। पर सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स की इनकम सिर्फ डिविडेंड इनकम ही हो सकती है। इसलिए एक सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं, जिसे बोलते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी आज की तारीख में एक कंपनी जिसकी होल्डिंग सब्सिड सॉरी जिसकी सब्सिडरी जेवी या एसोसिएट है, वो दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, एक स्टैंडलोन एसएफएस और एक कंसोलिडेटेड। कंसोलिडेटेड में तीन एंटिटी के साथ कंसोलिडेशन होता है, सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर, एसोसिएट। तीनों के प्रॉफिट में अपना शेयर इंक्लूड किया जाता है और असेट लाइबिलिटी में अपना शेयर कुछ केस में शामिल किया जाता है। यानी बैलेंस शीट कंसोलिडेट होती है सब्सिडरी में, एएस में, जेवी में, एसोसिएट में हम सिर्फ प्रॉफिट्स कंसोलिडेट करते हैं एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो ठीक है जो भी है। मुद्दे की बात यह है कि अब दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं। यानी एक रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी, जिसमें उसने जो जो इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं अलग अलग जगह, उसे सिर्फ क्या दिखाएगी, इन्वेस्टमेंट। और एक और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी रिलायंस इंडस्ट्री, जिसमें उसकी सारी सब्सिडरीज, विच हैज 96 सब्सिडरीज, वो सारी 96 सब्सिडरीज की असेट्स, लाइबिलिटी, प्रॉफिट्स को क्लब करेगी और एक कंसोलिडेटेड ग्रुप की बैलेंस शीट बनाएगी। मुझे बताओ, डिसीजन मेकिंग के लिए कौन सी बैलेंस शीट बेहतर है? कंसोलिडेटेड। क्यों? क्योंकि उससे किसकी पोजीशन पता पड़ती है, पूरे ग्रुप की। यूनाइटेड बेवरीज इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ माल्या जी सपोज, और उसकी सब्सिडरी किंगफिशर एयरलाइंस। अब यूनाइटेड बेवरीज में खूब प्रॉफिट है, किंगफिशर एयरलाइंस में खूब लॉसेस है, बट यूनाइटेड बेवरीज में वो लॉसेस दिखेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि वो दिखेगा इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ किंगफिशर एयरलाइंस। पर अगर मैं क्लब करूंगा तो मालूम पड़ेगा ग्रुप की पोजीशन में इतने प्रॉफिट्स नहीं है, इनफैक्ट लॉसेस किंगफिशर एयरलाइंस के कारण ग्रुप के प्रॉफिट्स ओवरऑल कम हो गए, और वाइस वर्सा उल्टा भी हो सकता है। जैसे टाटा सन्स इज द होल्डिंग कंपनी फॉर अ लॉट ऑफ टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज। अब टाटा सन्स की सबसे बड़ी एसेट ही इन्वेस्टमेंट्स है, क्योंकि उसका खुद का कोई बिजनेस नहीं है, उसने सिर्फ शेयर्स खरीद रखे सपोज। तो इन्वेस्टमेंट्स इन लॉट ऑफ अदर कंपनीज विल बी शोन एज इन्वेस्टमेंट, पर उन कंपनी की सिर्फ डिविडेंड इनकम बुक होगी, उनके प्रॉफिट्स और असेट्स तो दिखेंगे ही नहीं। तो एक्चुअल में टाटा ग्रुप की पोजीशन टाटा सन्स के स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के पता नहीं पड़ेगी। टाटा सन्स होल्डिंग कंपनी है, उसकी सारी सब्सिडरी को क्लब करके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेहतर इंफॉर्मेशन देगी। IFRS में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना ही मैंडेटरी है। एएस और इंड एएस में स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोनों बनाना मैंडेटरी है। आप बताइए, इज दिस अ डिफरेंस इन IFRS एंड IAS सॉरी IFRS एंड इंड एएस?
IFRS बोलता है आपको दोनों बनाना पड़ेंगे, सॉरी IFRS बोलता है आपको सिर्फ कंसोलिडेटेड बनाना है, स्टैंड अलोन इच्छा है तो बनाओ नहीं तो मत बनाओ, पर Ind AS बोलता है कंपल्सरी ये दोनों बनाना, स्टैंड अलोन भी और कंसोलिडेटेड भी। आप बताओ क्या ये अपने आप हमें एक डिफरेंस है? बोलो यस, बट इज इट अ कार्व आउट? नो, कार्व आउट क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि Ind AS जो बोल रहा है आप दोनों बनाओ, उससे क्या IFRS का कॉन्ट्रावेंशन हो रहा है क्या? नहीं। आया समझ में? अब समझो, भारत में हम दोनों क्यों बनाते हैं? क्यों? क्योंकि भारत में आज भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का एक बहुत बड़ा कारण है टैक्सेबिलिटी। एक सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट है, कॉर्पोरेट व्हील का कॉन्सेप्ट होता है। सब्सिडरी की हालत बहुत गंभीर है, फिर भी होल्डिंग की असेट्स अटैच नहीं की जा सकती जब तक होल्डिंग ने अपनी गारंटी ना दी हो सब्सिडरी के लोन्स लाइबिलिटीज के अगेंस्ट में। सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट होता है, इसलिए हम स्टैंड अलोन भी बनाते हैं और कंसोलिडेटेड भी बनाते हैं। और अब कंपनीज एक्ट में भी कह दिया है कि अगर आपकी एक भी सब्सिडरी जेवी या एसोसिएट, एक भी सब्सिडरी जेवी या एसोसिएट हुई तो आपको क्या करना पड़ेगा? कंसोलिडेटेड बनाना पड़ेगा। अब आप समझो, अगर होल्डिंग बड़ी कंपनी होने के कारण Ind AS फॉलो कर रही है और सब्सिडरी स्मॉलर साइज होने के कारण AS फॉलो कर रही है, तो फिर प्रॉब्लम यह आएगी कि दोनों की अकाउंटिंग पॉलिसी अलग होगी। क्या प्रॉब्लम है? अलग है तो अलग ही करके ही क्लब कर दो। नहीं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 और Ind AS 110 कहता है कि कंसोलिडेट करते समय सब्सिडरी की अकाउंटिंग पॉलिसी अगर होल्डिंग के अनुसार नहीं है तो उसे होल्डिंग के अनुसार किया जाएगा और उसके बाद सब्सिडरी के रीड्राफ्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ कंसोलिडेशन होगा, अनलेस इट इज इम्प्रैक्टिकेबल, यानी अनलेस ऐसा करना संभव ना हो। ओके, अब आप बताओ इसका क्या मतलब हुआ? सब्सिडरी से भी बेहतर है अपन Ind AS फॉलो कराना शुरू कर दें, नहीं तो अपनी हालतें खराब हो जाएंगी। क्यों हालतें खराब हो जाएंगी? आप प्रैक्टिकली स्पीकिंग कंसोलिडेशन करने में दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि आप सब्सिडरी को बोल रहे हो यस, होल्डिंग क्या फॉलो कर रही है? Ind AS। एक्चुअल में सब्सिडरी फंस गई क्योंकि अब सब्सिडरी को दोनों बनाना पड़ेंगे, AS भी और Ind AS भी। हेलो, उसे दोनों बनाना पड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि AS बनाएगा वो स्टैंड अलोन के लिए और Ind AS किसके लिए बनाएगा? ताकि होल्डिंग कंसोलिडेट कर सके, क्योंकि AS 21 बोलता है, क्या बोलता है, कि पॉलिसी सेम होना चाहिए। Ind AS भी बोलता है पॉलिसी सेम होना चाहिए, तो इससे अच्छा है कि फिर सब्सिडरी खुद ही बोलेगी कि बेहतर है अपन ही क्या फॉलो करना शुरू कर दो Ind AS। इसलिए रूल्स नहीं बोल दिया कि अगर एक कंपनी के ऊपर क्या लगेगा Ind AS, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा उसकी सारी होल्डिंग सब्सिडरी जेवी और एसोसिएट पर भी क्या लग जाएगा? Ind AS। ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा ग्रुप किस में कवर हो जाएगा? Ind AS। यहां तक आया समझ? बोलो। हेलो, तो आप देखिए, अब मेरा सवाल सुनना। इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन दैट से X लिमिटेड हैज अ नेटवर्थ ऑफ मोर देन 500 crores, ठीक है, एक्स लिमिटेड, इसकी एक होल्डिंग कंपनी है एच लिमिटेड जिसकी नेटवर्थ है सिर्फ 50 crore, और एच लिमिटेड की एक सब्सिडरी FS लिमिटेड जिसकी नेटवर्थ है अगेन 25 crore। एच का एक्स लिमिटेड में 60% स्टेक है, एच का FS लिमिटेड में 80% स्टेक है। सबसे पहली बात बताओ, कौन सी कंपनी Ind AS में कवर हुई है? एक्स लिमिटेड विल बी कवर्ड इन Ind AS। कौन सी कंडीशन के कारण कवर होगी? नेटवर्थ कंडीशन। हाँ बताओ, X लिमिटेड Ind AS में कवर होगी तो क्या H लिमिटेड भी कवर हो जाएगी क्या? यस, yes, ये भी क्या फॉलो करेगी? Ind AS। कौन सी कंडीशन के कारण?
कंसोलिडेशन मत बोलो, होल्डिंग ऑफ कवर्ड कंपनी के कारण, तो होल्डिंग ऑफ एक्स लिमिटेड के कारण। नेक्स्ट, क्या एफएस लिमिटेड भी इंडेस में कवर होगी? बताएं, टेक्निकल भाषा में एफएस को एक्स की फेलो सब्सिडरी माना जाता है। फेलो सब्सिडरी मतलब अपनी होल्डिंग की दूसरी सब्सिडरी, यानी ये कैसे हो गए भाई भाई टाइप्स, अपने को कंट्रोल करने वाला किसी और को कंट्रोल कर रहा है, अपने को कंट्रोल करने वाला किसी और को कंट्रोल कर रहा है, तो वो कोई और क्या है, वो कोई और क्या है, फेलो सब्सिडरी। यानी प्रैक्टिकली स्पीकिंग, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस को टाटा सन्स कंट्रोल कर रहा है, और टाटा सन्स से टाटा मोटर्स को भी कंट्रोल कर रहा है, तो टाटा मोटर और टाटा कंसल्टेंसी एज सच कोई रिलेशन नहीं है, एक्सेप्ट कि इन दोनों को कंट्रोल करने वाली एंटिटी एक है, तो दे आर बोथ फेलोज, फेलो सब्सिडरी। अब इसमें ये तो इंड एस में कवर हो रही है, लेकिन होल्डिंग कवर नहीं हो रही है और सब्सिडरी कवर नहीं हो रही है, पर इसके कवर होने के कारण कौन कवर हो गया? होल्डिंग। अब मेरा सवाल यह है कि इसकी फेलो सब्सिडरी क्या कवर होगी? नहीं होगी। अगर आप रूल्स पढ़ेंगे तो रूल्स कहते हैं, कंपनीज हैविंग नेटवर्थ ऑफ 500 करोड़ और मोर विल फॉलो इंड एस एंड इट्स होल्डिंग सब्सिडरी जॉइंट वेंचर एंड एसोसिएट्स विल फॉलो इंड एस। अगर रूल बोलता होल्डिंग सब्सिडरी जेवी एसोसिएट एंड फेलो सब्सिडरी, तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाती। या फिर अगर रूल ऐसा बनता कि एनी कंपनी कवर्ड अंडर इंड एस, इट्स होल्डिंग सब्सिडरी जेवी एसोसिएट विल ऑल्सो बी कवर्ड अंडर इंड एस, तो भी एफएस लिमिटेड इंड एस में कवर हो जाती है। क्योंकि रूल क्या बनता, अगर कोई भी कंपनी इंड एस फॉलो कर रही है तो उसकी होल्डिंग सब्सिडरी जेवी एसोसिएट इंड एस फॉलो करे, तो फिर हम क्या बोलते हैं, एच लिमिटेड इंड एस फॉलो कर रही है तो उसकी सारी होल्डिंग सारी सब्सिडरी सारी जेवी सारी एसोसिएट को इंड एस फॉलो करना है। लेकिन आज रूल ऐसा नहीं है। रूल क्या है, देखो आप पढ़ो, मैंने लिखा है, इंड एस अप्लाई टू सच कंपनीज एंड सच कंपनीज होल्डिंग सब्सिडरी जेवी एंड एसोसिएट। रूल ऐसा नहीं बोल रहा है कि इंड एस अप्लाई टू सच कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी जेवी एसोसिएट एंड ऑल ग्रुप कंपनीज ऑफ सच कंपनी, या एनी कंपनी फॉलोइंग इंड एस और कवर्ड अंडर इंड एस, इट्स होल्डिंग सब्सिडरी जेवी एसोसिएट विल ऑल्सो बी कवर्ड। तो फाइनली आप बताओ, एफएस लिमिटेड को क्या इंड एस में कवर्ड है या नहीं है? हम बोलेंगे इंड एस इसके लिए क्या है, इंड एस इज मैंडेटरी और नॉट मैंडेटरी, नॉट मैंडेटरी। अब आप थोड़ा सा लॉजिकली बताओ, क्या आपको लगता है कि ये वॉलंटरली इंड एस फॉलो करेगी? यस, क्यों? कंसोलिडेशन पर्पस के लिए करना ही पड़ेगा, इसको मजबूरी है इसकी, क्यों? फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन। तो हमारा पहला आंसर तो क्या है, इंडेस इज नॉट मैंडेटरी, हाउएवर इट विल लीड टू क्या इश्यूज इन, किसमें दिक्कत आएगी, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर कौन सी कंपनी के लिए, एच लिमिटेड। आ रहा है यार, समझ में आ रहा है? एप्लीकेबिलिटी में थोड़ा समय देना पड़ेगा, बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी ये चीज रेलेवेंट है। क्यों? क्योंकि 31 मार्च 2017 में पहली बार एप्लीकेबिलिटी इन फोर्स आई है, अब इसके ऊपर सवाल बनना लाजमी है। अब चलो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, अगर एफएस लिमिटेड एक एनबीएफसी होती, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, तो क्या होता? ए, क्या एफएस लिमिटेड पर इंड एस लग रहा है या एएस लग रहा है, मैंडेटरी क्या है, एएस। बी, क्या कंसोलिडेशन में प्रॉब्लम आती है? जल्दी बोलो बोलो, यस। तो फिर बेहतर होता वो क्या फॉलो करे, इंड एस।
एफएस लिमिटेड वॉलंटरली इंडेस फॉलो करना चाहती है, एफएस लिमिटेड वॉलंटरली इंडेस फॉलो करना चाहती है, क्या वो कर सकती है? नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि एप्लीकेबिलिटी में साफ साफ बोला हुआ है, सी पॉइंट पढ़ो, एनबीएफसी के लिए क्या है? मैंडेटरी। अगर आप चार्ट ध्यान से देखोगे तो आप देखो वॉलंटरी वाला ऑप्शन मैंने किसके लिए दिया है, कंपनीज अदर देन ए बी सी। यानी अगर आप ए बी सी में कवर्ड हो तो आपको कंपल्सरली क्या फॉलो करना है? यस, इफ यू आर नॉट कवर्ड इन ए बी सी देन यू हैव एन ऑप्शन टू फॉलो इंड एस इवन इफ यू आर कवर्ड अंडर एस। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो इसी क्वेश्चन में अपन लिखते हैं, क्वेश्चन, कैन एफएस लिमिटेड वॉलंटरली फॉलो इंडेस? क्या एफएस लिमिटेड वॉलंटरली इंडेस फॉलो कर सकती है? इसका जवाब होगा यस, कर सकती है। इसका जवाब क्या होगा? यस, कर सकती है। लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, कैन एफएस लिमिटेड वॉलंटरली फॉलो इंडेस इफ इट इज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी? हाँ बताओ, अगर वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है तो क्या लगता है आपको, कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? हमारा आंसर हो जाएगा नो, एज एनबीएफसीज डू नॉट हैव एन ऑप्शन टू फॉलो क्या इंडेस। हालांकि ये समस्या सिर्फ 31 मार्च 2018 तक की है, अभी अपन देखेंगे 31 मार्च 2018 के बाद, यानी 1 अप्रैल 18 से एनबीएफसी को भी इंडेस फॉलो करने की परमिशन है। क्वेश्चन, कैन एफएस लिमिटेड वॉलंटरली फॉलो इंडेस इफ इट इज अ कमर्शियल बैंक और अ बैंक सिंपली? अगर एफएस लिमिटेड एक बैंक है तो क्या वो इंडेस फॉलो कर सकती है? ये सिचुएशन है एफएस की। इफ इट इज अ बैंक नॉट एन एनबीएफसी, क्या वो कर सकती है? चार्ट देख के बताना है आपको, क्या वो इंडेस फॉलो कर सकती है वॉलंटरली? क्या ये इंडेस फॉलो कर सकती है? बोलो यस और नो। नो, क्यों नहीं? क्या बोला है? वॉलंटरी ऑप्शन सिर्फ किसके पास है? अदर देन ए बी सी। एफ एस लिमिटेड किस में आ जाएगा? ए में। तो क्या वो वॉलंटरली फॉलो कर पाएगी? नहीं। इनफैक्ट सरप्राइजिंग बात यह है कि ना तो एफ एस लिमिटेड फॉलो कर पाएगी ना ही एच लिमिटेड फॉलो कर पाएगी। एच लिमिटेड भी इंडेस फॉलो नहीं करेगी। इनफैक्ट आप देखो यहां पे क्या हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है। कैसे कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है? देखो सबसे पहली लाइन में क्या बोला है मैंने, इफ यू आर अ बैंक और अ होल्डिंग सब्सिडरी जेवी एसोसिएट ऑफ अ बैंक। अब आप देखो अगर एफएस लिमिटेड एक बैंक है तो एच लिमिटेड क्या हो गया? होल्डिंग ऑफ अ बैंक। एच क्या हो गया? होल्डिंग ऑफ अ बैंक। पॉइंट नंबर ए में क्या बोला गया है? इफ यू आर अ बैंक और अ होल्डिंग ऑफ अ बैंक देन यू हैव टू कंपल्सरली फॉलो व्हाट? यस। वन टू थ्री के बाद आए अपन फोर पे, डी पे, यानी कि ए बी सी के बाद अपन ने देखा तो क्या बोला कि अगर कोई कंपनी की नेटवर्क 500 करोड़ या उससे ज्यादा है तो वो और उसकी होल्डिंग क्या फॉलो करे? इंडेस। पर हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर कोई कंपनी बैंक की होल्डिंग है तो वो क्या फॉलो नहीं कर सकती? इंडेस। अब मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि आया वो पर्टिकुलर कंपनी,
जिसकी दो सब्सिडरी है, एक सब्सिडरी बैंक है और एक है एक नॉर्मल कंपनी। नॉर्मल कंपनी जो है वो कवर्ड है किसमें? इंड एस में, पर बैंक कवर्ड नहीं हो सकती अभी इंड एस में। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं बैंक की भी होल्डिंग हूँ और एक इंड एस फॉलो करने वाली कंपनी की भी होल्डिंग हूँ, तो फिर सवाल उठता है कि कौन सा प्रोविजन ओवर रूल करेगा। तो आप देखो मैंने साफ साफ लिखा है अदर देन एबीसी। अगर आप रूल पढ़ोगे ना तो रूल में लिखा हुआ है नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग गिवन इन द रूल्स, अ बैंकिंग कंपनी और इट्स होल्डिंग सब्सिडरी जेवी एंड एसोसिएट विल नॉट फॉलो इंड एस टिल 31st, इनफैक्ट टिल आरबीआई मेक्स एन अनाउंसमेंट। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर अब आप बताओ क्या लिखूं मैं? क्या एफ एस लिमिटेड इंड एस फॉलो कर सकती है अगर वो एक कमर्शियल बैंक या बैंक है? बोलो। द आंसर इज नो। एस बैंक्स आर नॉट परमिटेड टू क्या फॉलो इंड एस टिल नोटिफाइड बाय, कौन करेगा नोटिफाई? आरबीआई। पर यहां पे एक पॉइंट और लिखेंगे अपन, क्या फर्दर? बोलो क्या? एच लिमिटेड विल ऑल्सो नॉट फॉलो व्हाट? एच लिमिटेड विल ऑल्सो नॉट फॉलो, फॉलो व्हाट? इंड एज, एज इट इज अ होल्डिंग कंपनी ऑफ ठीक है। यानी बहुत आसानी से इसे कंक्लूड कर सकते हैं, जब तक आरबीआई नहीं बताएगी तब तक बैंक और उसकी सारी ग्रुप कंपनीज एएस ही फॉलो करेगी। लेकिन ये रूल बैंक में जो है वो एनबीएफसी में नहीं है। एनबीएफसी के केस में सिर्फ एनबीएफसी को मना किया है इंड एस फॉलो करने के लिए, उसकी होल्डिंग सब्सिडरी जेवी एसोसिएट को मना नहीं किया है। यानी एफएस अगर एनबीएफसी है तो वो फॉलो नहीं कर सकती इंड एस, लेकिन उसकी होल्डिंग कर सकती है। पर एफएस अगर बैंक है तो वो भी नहीं कर सकती और उसकी होल्डिंग भी नहीं कर सकती। यानी बैंक्स के केस में आरबीआई एकदम स्ट्रिक्ट है कि भैया बैंक और उसके घर के कोई भी सदस्य अभी इंड एस फॉलो ना करें जब तक हम नहीं बताएं। रही बात एनबीएफसी की, तो ठीक है वो ऐसे भी इतने कंट्रोल में हमारे रहती नहीं है, तो उसको मना कर रखा है उसकी होल्डिंग सब्सिडी में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप बताओ अगर आपको सब कुछ समझ में आया तो मैं अब आपसे एक सवाल पूछता हूँ, इसका सही जवाब देना। अगर एफ एस लिमिटेड एक इंश्योरेंस कंपनी होती तो आपका जवाब क्या होता? इफ एफ एस लिमिटेड इज एन इंश्योरेंस कंपनी व्हाट वुड बी योर आंसर? ए क्या करेगी एफ एस फॉलो? एस। बी क्या एच लिमिटेड को भी एस फॉलो करना पड़ेंगे या वो इंड एस फॉलो कर सकती है? यानी इंश्योरेंस कंपनी किसके जैसी चलती है? एनबीएफसी जैसी। आ गया सबको समझ? बस इंश्योरेंस कंपनी कब से फॉलो करेगी इंड एस? जब आईआरडीए बोलेगा। वेरी गुड। एनबीएफसी कब से करेगी? 1 अप्रैल 2018 से। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी कब से करेगी? जब आईआरडीए बोले। और आईआरडीए और आरबीआई दोनों ने आज की तारीख में अनाउंसमेंट कर रखा है कि 1 अप्रैल 2018 से हम लोग भी इंड एस पे स्विच कर जाएंगे। आप बताओ आज एनबीएफसी बैंक्स आईआर इंश्योरेंस कंपनीज क्यों इंड एस फॉलो नहीं कर रही हैं? कारण क्या है? एक्चुअल में आज की तारीख में अगर इन लोगों ने इंड एस फॉलो करना शुरू किए तो प्रैक्टिकली मेजॉरिटी अकाउंटिंग इनकी इंडेस के अनुसार होगी ही नहीं, क्योंकि इंडेस क्या बोलता है, अगर लॉ में और स्टैंडर्ड में कॉन्फ्लिक्ट आए तो क्या फॉलो करो? लॉ। इंडेस बोलता है लॉ, आईएफआरएस बोलता है एफआरएस, इंडेस बोलता है लॉ। अब आपको बताओगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, बैंक्स के केस में आपको प्रोविजनिंग करना पड़ती है क्या? नॉन परफॉर्मिंग असेट पे प्रोविजनिंग होती है। अरे वो छोड़ो, आरबीआई तो परफॉर्मिंग असेट स्टैंडर्ड असेट पे भी प्रोविजन बनवाता है।
जब आप इंडेस में जाओगे ना, वो अलाउड नहीं है ये। इंडेस में स्टैंडर्ड एसेट पे आप प्रोविजन नहीं बना सकते, रिजर्व बना सकते हो, पर आरबीआई क्या बोलता है? प्रोविजन। अब आपको बताओ होगा, बैंक्स की अकाउंटिंग में एक सबसे बड़ा अकाउंटिंग का एरिया ही एनपीए होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की अकाउंटिंग, उसकी प्रोविजनिंग। वो पूरी प्रोविजनिंग एज पर एएस और इंडेस नहीं है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंडेस में फ्लैट प्रोविजनिंग अलाउड ही नहीं है कि भैया आप 20% 25% प्रोविजन बना दो। वो तो बोलते हैं आपको आइडेंटिफाई करके प्रोविजन बनाना पड़ेगा, किसमें कितने लॉस की उम्मीद है। और कहीं भी प्रोविजन जरूरत से ज्यादा बना तो उस केस में क्या मान लिया जाएगा कि वो रिजर्व है, जबकि आरबीआई तो अलग ही फंड देता है। वो तो मिनिमम प्रोविजनिंग बोलता है कि इतनी करना है, इससे ज्यादा करो तो भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो होगा क्या, अपन बोल तो देंगे इंडेस फॉलो करो, पर इफेक्टिवली उनकी अकाउंटिंग फिर कुछ तो भी कॉकटेल बन जाएगी। आरबीआई जो बोलता है वो आरबीआई की मानेंगे, जहाँ आरबीआई साइलेंट है वहां पर अपन क्या मानेंगे? इंडेस। कोई मतलब नहीं है इससे। अच्छा हमने बोला लेट्स डू वन थिंग, लेट्स वेट, 2 साल रुक जाते हैं, आरबीआई के नॉर्म्स को पूरा क्या करते हैं, अलाइन कर देते हैं इंडेस के अनुसार। जरूरत पड़ी तो इंडेस को अलाइन कर देंगे, जरूरत पड़ी तो नया इंडेस भी अनाउंस करवा देंगे, और फिर उसके बाद हम क्या फॉलो करना शुरू करेंगे? इंडेस। इनफैक्ट यू शुड नो दिस दैट आरबीआई हैज ऑलरेडी अनाउंस्ड दैट ऑल द बैंक्स स्टार्टिंग फ्रॉम सितंबर 2016, आपने सुना होगा बैंक्स में हाफ ईयरली क्लोजिंग होती है, 6-6 महीने में अकाउंट्स बनते हैं। सितंबर 2016 से सारी बैंक को आरबीआई ने बोल दिया है कि अब आपको एज पर इंडेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना है, बट ओनली फॉर मेमोरेंडम पर्पस। मेमोरेंडम समझते हो? मेमोरेंडम बुक्स किसे बोलते हैं? जो हम अलग से मेंटेन करके रखते हैं, ओनली फॉर आर जजमेंट एनालिसिस पर्पस। सितंबर 2016 से आरबीआई ने बोल दिया है कि सारी बैंक्स क्या करेंगी, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करेंगी एज पर आरबीआई नॉर्म्स एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, बट पैरेलली वो एक और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी। किसके अनुसार? इंडेस के अनुसार। सिर्फ क्यों? ओनली फॉर द पर्पज ऑफ सीइंग कि इंडेस फॉलो करने में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्या आ रहा है, ताकि हम आने वाले समय में वो अमेंडमेंट्स करके इंडेस अडॉप्ट करें। यानी आप यू समझ लो कि ऑफलाइन ऑफ द रिकॉर्ड्स इट इज ऑलरेडी मैंडेटरी फॉर द बैंकिंग कंपनीज टू कंप्लाई और टू फॉलो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर एज पर इंडेस। हालांकि इंश्योरेंस कंपनी में अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब आप बताओ, आपके प्रोविजन अच्छे से समझ में आ गया? एप्लीकेबिलिटी कैसे आएगी 1 अप्रैल 2016 पे? ठीक है, तो एबीसी पे जरा भी नहीं आएगी, डी पर आएगी। डी यानी अदर देन एबीसी, पहली कंडीशन। ठीक है, इज दिस क्लियर? ये एप्लीकेबिलिटी आपकी कौन सी तारीख की होगी दोस्त? 1 अप्रैल 2016 और उसके बाद की अकाउंटिंग ईयर 16-17 की। अब 16-17 के बाद अपन आते हैं किस पे? 17-18 पे। चलिए, लेट अस कम टू 2017-18। सेवनटीन एटीन में प्रोविजन क्या है? एबीसी रिमेन्स द सेम। ठीक है, ऐसा लिख दूं तो समझ में आ जाएगा? बोलो ना, ये सेम है। नेक्स्ट, आप बताओ, कंपनीज कवर्ड और ऑप्टेड टू फॉलो इंड एस अर्लियर, इनके साथ क्या करें? ये लोग क्या फॉलो करेंगे? जी तो कंपनीज एंड इट्स होल्डिंग सब्सिडरी जेवी एसोसिएट टू फॉलो इंड एस, जो पहले कवर हो गई है वो सब इंडेस फॉलो करें, और उसकी अगर कोई नई होल्डिंग सब्सिडरी जेबी बनी है तो वो भी सब किस में कवर होगी? इंडेस। अदर कंपनीज में इफ यू आर अ लिस्टेड कंपनी देन
द लिस्टेड कंपनी और उसकी होल्डिंग सब्सिडरी जेवी एसोसिएट क्या फॉलो करेगी? यानी दोस्तों जो रनिंग फाइनेंशियल ईयर है 17-18, अब उसमें सारी लिस्टेड कंपनीज पर इंडेस आ चुका है। अब आप बताओ इतनी सारी एप्लीकेबिलिटी है तो एग्जाम में आपसे क्यों नहीं पूछेंगे? ऑल लिस्टेड कंपनीज आर कवर्ड, ये तो नॉलेज बेसिक हो गया अब तो हमारे लिए। तो बची अदर कंपनीज में अनलिस्टेड कंपनीज, इसमें जिनकी नेटवर्थ 250 करोड़ या उनसे ज्यादा है, ऐसी सारी कंपनी भी अब क्या फॉलो करेगी? कंपनी और उसकी होल्डिंग सब्सिडरी जेवी एसोसिएट सब क्या फॉलो करेंगे? इंडेक्स। अदर कंपनीज, बैलेंस कंपनीज, इनमें से जो अब क्या करना चाहती हैं, वॉलंटरिली अडॉप्ट्स इंडेस, तो ऐसी कंपनी और उसकी होल्डिंग सब्सिडरी ज्वाइंट वेंचर एसोसिएट सब क्या फॉलो करेगी? इंडेस। और जो रिमेनिंग सेट ऑफ कंपनी होगी वो सिर्फ क्या फॉलो करेगी? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। यानी अब आप बताओ 17-18 में कौन सी कंपनी बची जो अभी भी एएस में कवर्ड है? एबीसी, एबीसी और अनलिस्टेड कंपनी जिसकी नेटवर्थ 250 करोड़ से कम है, अनलिस्टेड कंपनी जिसकी नेटवर्थ 250 करोड़ से कम है, प्रोवाइडेड वो भी वॉलंटरली इंडेस में शिफ्ट नहीं हो रही है। कोई होता है क्या वॉलंटरली इंडेस में शिफ्ट? बहुत सारी कंपनीज ने सीए फर्म से असेसमेंट कराया कि हम इंडेस पे जाएंगे तो हमारे फाइनेंशियल्स कैसे होंगे, और कई सारी कंपनी के प्रॉफिट्स में मेजर जंप आया, क्योंकि इंडेस में क्या है, फेयर वैल्यू अकाउंटिंग परमिटेड है। खास तौर पे कुछ कुछ जगह पर इंडेस में अनरियलाइज प्रॉफिट बुक करने की परमिशन होती है। तो कंपनीज हैव टेकन अ कॉल कॉन्शियसली कि यार इंडेस में जाके मूव करके फाइनेंशियल सुधर रहे हैं तो अपन मूव कर लो, तो यू हैव दैट ऑप्शन, ऐसा है आपके पास। ठीक है, ये आपकी पोजिशन हो गई 2017-18 की, और 2018-19 से फिर अब आपकी पोजीशन बहुत चेंज हो जाएगी, क्यों? क्योंकि अब मेजॉरिटी ऑफ द कंसर्न्स किसमें कवर होने लग जाएंगे। इनफैक्ट 18-19 से जो चेंज आएगा वो एबीसी में आएगा, ना कि अदर्स में। ठीक है, तो 2018-19 के प्रोविजंस क्या होंगे? सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट बैंक्स। बैंक्स प्लस उसकी होल्डिंग सब्सिडरी जेवी एसोसिएट, ये क्या फॉलो करें? टू फॉलो, बोलो क्या? इंड एज एज अनाउंस्ड बाय आरबीआई। ये अनाउंसमेंट आरबीआई करने वाली है या कर चुकी है? कर चुकी है, अपने थोड़े ना कोई अंदर पहचान है जो बता रहे हैं अपन। सर 2000 में हो गई हो, कर चुका है अनाउंसमेंट डर भी। इंश्योरेंस कंपनीज ये भी क्या करेंगी अब? दिल ऑल्सो फॉलो, बोलो क्या? इंडेस एज अनाउंस्ड बाय, वापस से कौन? आईआरडी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। बची कौन? एनबीएफसी में एज पर कंपनीज इंड एएस रूल्स, यानी ये जो चीज अपन पढ़ रहे हैं ये आरबीआई ने बोली है या रूल्स में दी हुई है? रूल्स में दी गई। इसको नेक्स्ट पेज में लेते हैं। एज पर कंपनीज इंडेस रूल्स 2015 एनबीएफसी में बोला गया है कि
1/4/2018 से जो साल शुरू होगा उसमें वो एनबीएफसी जिसकी नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, 1/4/2019 से ऐसी एनबीएफसी जो लिस्टेड है या जिसकी नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज्यादा है, ऐसी कंपनी और उसकी होल्डिंग सब्सिडरी जेवी और एसोसिएट। यानी एक तरह से शायद आप समझ गए, एनबीएफसी के लिए 2 साल का डिफरमेंट है और कुछ नहीं है। जो चीज 1/4/16 से सामान्य कंपनी पे हुई 16 और 17 में, वही एनबीएफसी पे 18 और 19 में हो गई। पहले 500 करोड़ और उससे ऊपर वाली, और बाद में लिस्टेड और 250 करोड़ और उससे ऊपर वाली। ये जनरल सा ही रूल बन गया एक तरह से कि जब भी कोई कंपनी कवर होगी तो ऑटोमेटिकली उसकी क्या कवर हो जाएंगी, होल्डिंग सब्सिडरी जेवी एसोसिएट। बेसिक रूल हो गया कि भैया कंपनी कवर होगी तो होल्डिंग सब्सिडरी जेवी एसोसिएट कवर होगी ही होगी। बोलो भाई, क्लियर है सबको? ठीक है, चलिए। इस तरह से अब इसकी पूरी एप्लीकेबिलिटी अनाउंस की गई है। अब इस पे सिचुएशंस पे अपन क्या करते हैं, लेट अस ट्राई टू सी कपल ऑफ क्वेश्चंस ऑन दिस। उससे पहले यहाँ पे हमने जो टर्म्स यूज किए हैं उसको भी अपने को अंडरस्टैंडिंग लेना पड़ेगा। दो तीन रूल्स हैं कुछ जो आपको थोड़े से समझना है। एक रूल का जवाब दो, मेरी नेटवर्थ 500 करोड़ रुपए से ज्यादा है लेकिन मेरी होल्डिंग कंपनी एक एनबीएफसी है, मैं एनबीएफसी नहीं हूं। आई एम नॉट एन एनबीएफसी, माई होल्डिंग इज एन एनबीएफसी। ये करंट ईयर 17-18 की बात कर रहा हूं मैं, सपोज 17-18 की बात कर रहा हूं, 500 करोड़ से ऊपर हूं मैं, मेरी एनबीएफसी होल्डिंग है। बोलो मुझे क्या फॉलो करना है? इंडेस 17-18 में मेरी होल्डिंग क्या फॉलो करेगी? एस, क्योंकि वो क्या है? एनबीएफसी है। मुझे बताओ किसको प्रॉब्लम आएगी कंसोलिडेशन में? होल्डिंग को क्या प्रॉब्लम आएगी? जब वो कंसोलिडेट करेगी तो मेरे साथ भी करेगी, और मेरे एस पर इंडेस है और उसके एस पर एस है। आप बताओ क्या ये मिसमैच के साथ कंसोलिडेशन अलाउड होगा या नहीं होगा? बोलो नहीं होगा। तो फिर बताओ कैसे कंसोलिडेशन होगा, मुझे क्या करना पड़ेगा? एस पर इंडेस बनाना या एस पर एएस बनाना पड़ेंगे? मुझे अपनी होल्डिंग एनबीएफसी के लिए एस पर एएस बना के देना होंगे ताकि वो क्या कर सके, कंसोलिडेट। कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2015 में कहा गया है कि वेन एवर इन द ग्रुप एनी ऑफ द कंपनीज आर कवर्ड अंडर इंडेस एंड द अदर्स आर कवर्ड अंडर एएस, तो इट सेज इफ द होल्डिंग इज कवर्ड अंडर एएस एंड सब्सिडरीज और जेवीज और एसोसिएट्स आर कवर्ड अंडर इंडेस, देन इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सब्सिडरी जेवी एसोसिएट टू प्रिपेयर अ पैरेलल सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एएस एंड प्रोवाइड इट टू द होल्डिंग ओनली फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा यानी अगर मेरी होल्डिंग इंडेस है और सब्सिडरी एनबीएफसी होने के कारण एएस में, तो फिर सब्सिडरी को एक और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेंगे किसके अनुसार? एज पर इंडेस, और वो इंडेस के अनुसार बनाने के बाद उसको किसको देना होंगे? होल्डिंग को, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन। आप बताओ सुन के क्या आपको ऐसी फीलिंग आ रही है क्या, यार ये तो बहुत मेहनत का काम हो गया? क्योंकि प्रैक्टिकली आपको कितने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ रहे हैं? 2। तो फिर मतलब ही नहीं था एबीसी को बाहर रख के, क्योंकि तो इफेक्टिवली अगर होल्डिंग सब्सिडरी कहीं कवर हो गई तो उनको बनाना तो पड़ ही रहे। अरे बोलो, तो ये सिर्फ 2 साल की प्रॉब्लम है दोस्त। 1 अप्रैल 2018 के बाद तो एबीसी वाले एक्सेप्शन खत्म ही हो जाएंगे ना, वो सब अपने आप किस में कवर हो जाएंगे? इंडेस। आया क्या सबको समझ में? 2 साल तक ये प्रॉब्लम बरकरार रहेगी। ठीक है, चले तो इस पॉइंट को अपन नोट करेंगे। चलिए आप हेडिंग डाल दें, ये जो अपन ने एप्लीकेबिलिटी पढ़ी है, एप्लीकेबिलिटी से रिलेटेड अब अपन नोट्स पढ़ रहे हैं।
सबसे पहले आप हेडिंग डाल दें एप्लीकेबिलिटी मिसमैच। क्या मतलब एप्लीकेबिलिटी मिसमैच का? एप्लीकेबिलिटी मिसमैच बिटवीन किसके बीच में? ग्रुप कंपनीज। सही है, सिंपल रूल है। इफ सब्सिडरी और जेवी और एसोसिएट आर कवर्ड अंडर एएस, whereas holding is covered under क्या? Ind AS। तो बताओ क्या आएगा? subsidiary JV associate to prepare पैरेलल सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर क्या? Ind AS। ओनली फॉर फैसिलिटेटिंग प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय होल्डिंग कंपनी। तो एक बात बताओ, ये सुनने के बाद क्या आपको लगता है कि बैंक को भी पैरेलल सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर Ind AS बनाना पड़ सकते हैं 16, 17, 17, 18 में? क्या बैंक को पैरेलल सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर Ind AS बनाना पड़ सकते हैं 16, 17, 17, 18 में? नहीं, क्योंकि बैंक में क्या बोला है, होल्डिंग सब्सिडरी जेवी एसोसिएट सब पे क्या लग जाएगा? Yes। पर क्या एनबीएफसी और इंश्योरेंस कंपनी को बनाना पड़ सकते हैं क्या? यस। अब समझ में आया आपको बैंक में क्यों पूरे ग्रुप को एक्सक्लूड किया है? ताकि बैंक के ऊपर वो हार्डशिप ना आ जाए। आया? और इसका वाइस वर्सा भी होगा, उल्टा क्या होएगा इसका बोलो? सब्सिडरी जेवी एसोसिएट आर कवर्ड अंडर Ind AS और होल्डिंग इज कवर्ड अंडर AS। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? समझ गए क्या? नहीं बोलो ना यार। क्या लिखा है सर? अरे वही बात, बस फर्क इतना सा है कि नहीं समझ में आ रहा है। कोई बात नहीं, और सर ये तो चीटिंग है, ये गाइस अ फीलिंग जे लिखो, तुम पूरा लिखो। सब्सिडरी जेवी एसोसिएट टू प्रिपेयर पैरेलल सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर क्या? एएस फॉर फैसिलिटेटिंग कंसोलिडेशन। हाउएवर दिस प्रॉब्लम विल ओनली कंटिन्यू फॉर 2 इयर्स। 18 से दिक्कत दूर हो जाएगी। हाँ एनबीएफसी के केस में 19 तक चलेगी ये प्रॉब्लम, बट ठीक है उसके बाद तो खत्म हो जाएगी। एटीन से ही फिनिश हो जाएगा इनफैक्ट ये प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये मिसमैच का बेसिक फंड है, यानी आपको पैरेलल बना के देना पड़ेंगे कंसोलिडेशन के लिए। यहाँ पे एक छोटी सी चीज और समझ लेना, भारत में Ind AS में ऐसा बोला है कि अगर सब्सिडरी की अकाउंटिंग पॉलिसी होल्डिंग से अलग है तो सब्सिडरी को क्या करना है? एज पर होल्डिंग बना के देना है ताकि कंसोलिडेट हो सके, अनलेस इट इज इम्प्रैक्टिकेबल। यानी अगर ऐसा करना असंभव हो तो फिर
इंडेस और एएस दोनों बोलते हैं कि फिर आप एक काम करो, फिर जो सब्सिडरी के फाइनेंशियल्स हैं उसी से कंसोलिडेट करके नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज कर दो कि सब्सिडरी की इन इन चीजों पे अकाउंटिंग पॉलिसी अलग अलग है जिसको हम सेम नहीं कर पाए। जबकि आईएफआरएस में अनलेस इम्प्रैक्टिकेबल ये दो शब्द नहीं है। अब मुझे बताओ क्या ये दो शब्द के हट जाने का बहुत बड़ा इंपैक्ट है क्या? ह्यूज। डू यू थिंक दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन आईएफआरएस एंड इंडेस? एंड डू यू थिंक इट इज अ कार्विन और अ कार्व आउट? कार्व आउट है। क्यों? क्योंकि ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि आईएफआरएस एकदम स्ट्रिक्ट है। वो बोलता है भाई ऐसा नहीं चलेगा कि सब्सिडरी अगर अपनी पॉलिसी होल्डिंग जैसी नहीं कर रही है तो जो सब्सिडरी की पॉलिसी है वही लेके कंसोलिडेट कर दो। वो तो बोलता है उसको करना ही पड़ेगा, प्रैक्टिकलिटी के बेसिस पे हम एक्सेप्शन देंगे ही नहीं, नहीं तो और कोई यूज करेगा। जबकि इंड एस में ये एक्सेप्शन दिया हुआ है एंड दैट इज एक्चुअली अ बिग कार्व आउट। बहुत बड़ा मैटर है ये एक तरह का, क्योंकि इसके कारण बहुत सारे डिफरेंसेस आते हैं। पॉसिबली 2018 के बाद इंस्टीट्यूट उसे हटा देगा, यानी इंडेस में हो सकता है 2018 के बाद हम अमेंडमेंट करके वो अनलेस इम्प्रैक्टिकेबल वाला क्या करें क्लॉज हटा दे। मे बी बिकॉज आज की तारीख में प्रैक्टिकली असंभव है भारत में हम ऐसा करें। क्यों? क्योंकि अभी ये प्रॉब्लम है किसकी? एप्लीकेबिलिटी मिसमैच की। इज दिस क्लियर? हालांकि ये सब पॉइंट अपन नोट करेंगे जब अपन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे। चलिए, तो ये पहला पॉइंट था हमारा एप्लीकेबिलिटी मिसमैच। ओके, देन व्हाट एल्स? और क्या चीजें हैं जो एप्लीकेबिलिटी में अपने को देखना है? तो अपन देखो अपन ने क्या क्या चीजें लिखी है उससे अपन टर्म समझते हैं। सबसे पहले अगर अपन देखें तो देखो टर्म्स क्या क्या यूज की मैंने। एक टर्म यूज करी अपन ने बैंक, और जो आता मिट गया, सही है। फिर अपन ने यूज किया इंश्योरेंस कंपनी, उसके बाद आया एनबीएफसी, ठीक है। उसके अलावा अपन ने एक टर्म यूज करी नेटवर्थ। ये वो टर्म्स हैं मार्क कर रहे हैं अपन जो अपने को समझना है अलग से ब्रीफ में। तो देन वी यूज नेटवर्थ। इसके अलावा होल्डिंग सब्सिडरी जेवी एसोसिएट का ब्रीफ डिस्कशन अभी कर लिया, उसको अभी अपन नोट नहीं करेंगे, वो जब स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे तब डिटेल में डिस्कस करेंगे। दैट्स अ बिग डिस्कशन, व्हाट इज अ सब्सिडरी, व्हाट इज अ जेवी, व्हाट इज एन एसोसिएट। तो वी स्किपिंग दैट फॉर द मोमेंट एटलीस्ट। हर जगह अपन ने कंपनी शब्द यूज किया है तो थोड़ा सा अपन कंपनी भी क्या होती है समझ लें। तो फॉरेन कंपनी वगैरह अगर कहीं इन्वॉल्व हो गई तो उसका क्या डिस्कशन होगा, तो वो एक एस्पेक्ट है। तो वी विल टॉक अबाउट द टर्म कंपनी ऑल्सो, और फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं और इंडेस क्या हैं ये हम समझ लेंगे, ठीक है। यानी अब अपने को कितने पॉइंट्स हैं डिस्कशन करने के हमारे लिए? पहला बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, एनबीएफसी, नेटवर्थ, कंपनीज, एएस और इंडेस। सात चीजें, सात टर्म्स है जो हमने यूज किए, जिसको एक एक करके अपन डिस्कस करते हैं। भैया तुम क्लास में आओ ना तो सारे सब तैयारी करके आया करो, हाइलाइटर लेके आना, तीन चार रंग की कलम लेके आना, पूरे से एकदम सजावट के साथ आना क्लास में। अपन कॉपी इस तरह से बनाएंगे ताकि अपने को साथ साथ में सारी चीजें रेडी हो जाए अपनी आखिरी में प्रिपरेशन के हिसाब से, ठीक है। देखो मैं भी सारे यंत्र लेके आता हूँ, सारे कलर्स लाया हुआ है। हाँ बोले सर इतना लो इतना लो। चलिए, तो अब हम कुछ टर्म्स का डिस्कशन कर रहे हैं जो हमने देखी है। टर्म्स यूज्ड इन डिस्कशन ऑफ एप्लीकेबिलिटी। चलो पहली टर्म क्या है बोलो जी? बैंक्स। हम यार ये भी कोई टर्म है पढ़ने की, तुम भी है ना सब पढ़ लो। बैंक्स क्या होती है? बैंक्स इसमें सिर्फ ये याद रखना आरआरबीज को एक्सक्लूड किया गया है। आरआरबीज आर एक्सक्लूडेड। आरआरबी समझते हो? रीजनल रूरल बैंक्स। यानी आरआरबी की अकाउंटिंग थ्रू आउट एएस से ही चलती रहेगी,
इनफैक्ट उसके ऊपर अलग से प्रोविजन नहीं लगेंगे, वो जो नॉर्मल कंपनी की तरह कवर होती है वो वैसे कवर होगी, आप यूँ समझ लो। हालांकि आपको पता होगा रीजनल रूरल बैंक्स आर सब्सिडरी ऑफ बैंक्स, आरआरबीज नॉर्मली क्या होती है, दे आर प्रमोटेड बाय अ स्पॉन्सरर बैंक ओनली, तो दैट इज वाई दे आर अ सब्सिडरी ऑफ अ बैंक, तो उसपे जो नॉर्मल नियम लगते हैं वो लगते रहेंगे, पर बैंक की परिभाषा में आरआरबी शामिल नहीं होगा। बाकी बैंक का मतलब आपको पता है, जिसके पास बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में बैंकिंग लाइसेंस है। इंश्योरेंस कंपनीज क्या होती हैं, तो बस यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी इंक्लूड्स बोथ लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस। मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है आपको कि इंश्योरेंस कंपनीज अगेन आर दोज कंपनीज विच आर हैविंग लाइसेंस ऑफ एन इंश्योरेंस कंपनी बाय गिवन बाय आईआरडीए अंडर द इंश्योरेंस एक्ट। तो इंश्योरेंस एक्ट में आप रजिस्टर करते हो अपने आप को, तो आपको इंश्योरेंस का लाइसेंस मिलता है। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि बैंकिंग सॉरी जनरल इंश्योरेंस हो या लाइफ इंश्योरेंस, दोनों को इंश्योरेंस कंपनी में शामिल किया गया। एनबीएफसीज में क्या आता है कोई बता सकता है क्या? ये अपने काम का डिस्कशन है। एनबीएफसीज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, बताइए। यस, हु आर एनबी, व्हाट आर एनबीएफसीज? ओके, ऐसे मत बताओ, तुम तो हाँ ना वाले जवाब दिया करो, बड़े बड़े मत पूछा करो यार सर। म्यूचुअल फंड क्या एनबीएफसी है? चिट फंड कंपनीज, सुनिए सुनो, कारों में सुना होगा चिट फंड कंपनी, निधि कंपनी, निधि तो सुना होगा तुमने, याद भी होगा, क्या ये एनबीएफसी है? स्टॉक ब्रोकर हूं मैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के होते हैं ना, ब्रोकरशिप ले लगते हैं। MIN NBFC, समझना। NBFC को डिफाइन किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, दिस सेक्शन 45I, जिसमें सब डेफिनेशंस दी गई हैं, जिसमें नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को कैसे डिफाइन किया गया है, अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड एज अ कंपनी बट नॉट अ बैंक। ऑब्वियसली बात है, नाम में ही लिया हुआ है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, इट्स अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच इज रजिस्टर्ड एज अ कंपनी। यानी अगर आप एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चला रहे हो लाइक से अ कोऑपरेटिव सोसाइटी में, तो ऑब्वियसली बात है आप एनबीएफसी नहीं हो सकते, यू आर नॉट अ कंपनी। और कंपनी नहीं है तो इंडेस तो लगना ही नहीं है। तो पहली चीज आपका क्या होना है, कंपनी, दूसरा बैंक नहीं होना, तीसरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होना। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का क्या मतलब, तो कहा गया है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में वो हर तरह के इंस्टीट्यूशन शामिल होंगे जिनका प्रिंसिपल बिजनेस फाइनेंशियल एक्टिविटीज में डील करना होता है, लाइक चिटफंड कंपनी, निधि कंपनी, म्यूचुअल फंड जिसको AMC बोलते हैं, सुना आपने, असेट मैनेजमेंट कंपनीज, म्यूचुअल फंड जिसमें ऑपरेट होते हैं, म्यूचुअल बेनिफिट कंपनीज और एनी अदर कंपनी विच आर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक एंड गिविंग लोन्स एंड एडवांसेस, यानी फाइनेंशियल नेचर का बिजनेस कर। यानी अगर कभी आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ जाए, जो कि आ सकता है, क्यों आ सकता है, क्योंकि आपके कोर्स में म्यूचुअल फंड है, आपके कोर्स में स्टॉक ब्रोकर अकाउंटिंग है, तो अगर आपको क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि अ स्टॉक ब्रोकर हैविंग अ नेटवर्थ ऑफ 550 करोड़, वेदर विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विथ इंड एस इन द ईयर 2016-17, तो आप क्या बोलोगे कि स्टॉक ब्रोकर इज एन एनबीएफसी, हेंस इट विल नॉट बी कवर्ड अंडर इंड एस फॉर द ईयर 2016-17, एज एनबीएफसीज आर स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड फ्रॉम कंप्लाइंग विथ इंड एस। आया सबको समझ में? तो आप एनबीएफसीज के केस में क्या लिखोगे, यू विल मेंशन एनबीएफसीज आर कंपनीज, दे आर नॉट बैंक्स एंड दे आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है,
अब सवाल उठता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसे बोलूं? हम बोलेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूड्स असेट मैनेजमेंट कंपनीज, स्टॉक ब्रोकर्स, निधि कंपनीज, चिट फंड कंपनीज, कंपनीज विथ प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ऐसे देखा जाए ना तो इंश्योरेंस कंपनी भी एक तरह की फाइनेंशियल कंपनी हो गई, खासतौर पे लाइफ इंश्योरेंस, क्योंकि वो लोग अश्योरेंस देते हैं, बट फिर उसके लिए स्पेसिफिकली इंश्योरेंस कंपनी में कवरेज आ जाती है, तो फिर वो वहां कवर हो जाती है। ठीक है, ये हो गई आपकी एनबीएफसी। चलो अगली टर्म क्या है अपनी बताओ, फोर्थ क्या है बोलो ना। कंपनी नेटवर्थ। चलिए नेटवर्थ पर आ जाओ यार। नेटवर्थ के लिए साफ कहा गया है कंपनीज एक्ट में, एज डिफाइन सॉरी रूल्स में, दैट रूल्स प्रिस्क्राइब नेटवर्थ टू बी सीन एज ऑन 31 मार्च 2014 और लेटर। पहले पॉइंट, कब देखना है नेटवर्थ? 31 मार्च 2014 या उसके बाद। उसके बाद का मतलब क्या हो गया? एवरी ईयर एंड, 31 मार्च 2015, 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2017, ऐसा। यानी सबसे पहली बात, नेटवर्थ कब देखी जाएगी? ईयर एंड पर। तब आप बताइए एंड डेज की एप्लीकेबिलिटी कब आएगी? इफ नेटवर्थ इज एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर द इंड एस रूल्स, देन इंड एस एप्लीकेबल। कब से? फ्रॉम द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। समझ गए आप? यानी अगर आपकी नेटवर्थ 31/3/2020 में 250 करोड़ क्रॉस कर गई, तब तो लिमिट 250 करोड़ रहेगी 20 में। पहले अपनी नेटवर्थ कम थी, पर 31/3/20 में अपनी नेटवर्थ 250 करोड़ क्रॉस कर गई, तो आप बताओ इंडेस आप कब से लगाओगे? 2021, यानी 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। समझ में आया? यानी ऑब्वियस सी बात है कि मुझे साल शुरू होने से पहले पता होना चाहिए कि मुझे इंडेस फॉलो करना है या नहीं। तो इफ माई नेटवर्थ फॉर एग्जाम्पल एक्सीड्स 250 करोड़ ऑन 31/3/2020, देन इंड एज विल बी फॉलोड फॉर 2020/21, यानी विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2020। आया समझ में? आया सबको? नहीं? अरे नेटवर्थ कब की देखना तुमको? साल खत्म होने पे, और अगर खत्म होने में एक्सीड हो जाए तो फिर अगले साल से क्या करने का? इंडेस लगाने का। क्योंकि अब आप बताओ ये तो साल खत्म हो गया ना, अब इस पूरे साल में मैं इंडेस से अकाउंटिंग कैसे करूंगा? तो साल ही निकल गया। तो आपको इंडेस की एप्लीकेबिलिटी चेक करने के लिए दूसरा तरीका समझने का ये हो सकता है कि आपको इंडेस की एप्लीकेबिलिटी चेक करना है तो आप ये देखो कि प्रीवियस ईयर एंड पर आपकी नेटवर्थ क्या थी। यानी ऐसा बोलते हैं कि लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट की नेटवर्थ से सब्सिक्वेंट ईयर के इंडेस की एप्लीकेबिलिटी पता पड़ेगी। बोलो, आया समझ में? आपको क्या देखना है? लास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिससे आपको इस साल की एप्लीकेबिलिटी समझ में। लॉजिकल है यार, ऐसे ही होना चाहिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं। हाँ बोलो, कोई डाउट?
31 मार्च 2014 और एनी टाइम लेटर का रेलेवेंस बिल्कुल है, क्योंकि आप देखो अगर 31 मार्च 2014 को मेरी नेटवर्थ हो गई 501 करोड़, ठीक है, तो मुझ पर इंड एस लग गए। मैंडेटरी कब से हुए इंड एस? 1/4/16 से। 31/3/16 पे मेरी नेटवर्थ हो गई 450 करोड़ लॉस होने के कारण। अब आप बताओ, क्वेश्चन आपने जो लिया है लिख लेते हैं अपन यहां पे। क्वेश्चन है मेरा, सपोज 500 करोड़, 31/3/14 पे मेरी नेटवर्थ थी 550 करोड़, लेकिन 31/3/16 पे नेटवर्थ गिर के हो गई 450 करोड़। पॉसिबल है क्या ऐसा? तो 550 करोड़ की नेटवर्थ गिर के हो गई 450 करोड़, ऐसा लॉस के कारण हुआ होगा या बायबैक के कारण हुआ होगा, जो भी कारण है। अब सवाल मेरा ये है आपसे कि क्या इस कंपनी को 1/4/16 से इंडेक्स फॉलो करना पड़ेंगे? बोलो। एब्सोल्युटली। 31 मार्च 2014 और लेटर, आप बताओ कि 31/3/14 पे आपके ऊपर इंडेस की एप्लीकेबिलिटी आ गई? यस। अब क्या आपको हर साल चेक करना है या इंडेस में एग्जिट क्लॉज ही नहीं? यानी वंस कवर्ड यू विल बी कवर्ड फॉर एवर, ये तो अपन पहले ही पढ़ चुके। अगर ऐसा होता ना कि हर साल चेक करो और देखो कि इंडेस लगेगा या एएस, तो मैं बोलता कि फिर मैं एएस में आ सकता हूं, पर वो मुद्दा ही नहीं है ना। एक बार कवर्ड तो जीवन भर के लिए कवर्ड है। तो हम क्या बोलेंगे इस पर्टिकुलर केस में? इंडेस विल स्टिल अप्लाई। क्वेश्चन इज वेदर इंडेस अप्लाइज ऑन 1/4/16। हम बोलेंगे इंडेस अप्लाइज एज कंपनी वॉज कवर्ड एज पर इट्स नेटवर्थ। कौन सी तारीख पे? 31/3/14। ऑब्वियसली ये फॉर्मल आंसर नहीं लिख रहे हैं अपन, समझने के लिए अभी है। क्वेश्चन आंसर्स पे प्रैक्टिस करेंगे अपन। यानी 14 से हर साल के अंत पे चेक करते जाओ, जिस दिन कवर हो जाओगे उससे समझ जाना कि अब जीवन में इंडेस ही है अपने। यानी कि 1 अप्रैल 2016 के लिए आपको अपनी नेटवर्थ 3 साल में देखना है, एक भी दिन क्रॉस हो गई क्या? 31/3/14, 15 या 16, 3 में से 1 भी डेट पर क्रॉस हो गई तो 1/4/16 से तो इंडेस पे आ ही गए आप। ऐसा ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि पहले से हम इन्फॉर्म करना चाहते थे कि भैया तुम लोगों पे इंडेस लगेंगे, तुम तैयारी शुरू कर दो। इसलिए 14 की डेट रखी कि भाई आप 14 में कवर्ड हो तो नॉर्मली फिर आपकी नेटवर्थ कम होने के चांसेस कम है, तो आप अभी से समझ जाओ कि भैया आपको इंडेक्स फॉलो करना पड़ेगा। अगर मैं पहली बार बोलता जिसकी नेटवर्थ 31/3/16 पे क्रॉस हो रही है वो 1/4 से इंडेक्स फॉलो करे, तो इंडेक्स ऐसी चीज नहीं जो रातों रात फॉलो हो जाती, टेक्स मंथ्स ऑफ प्रिपरेशन। तो इसलिए फिर 14 की डेट दी गई थी, और ऐसे भी 1/4/15 से मैंने लिखवाया है, वॉलंटरी एप्लीकेबिलिटी आ गई थी 14/15 से। यस, वो मैंने एक एग्जाम्पल लिया था कि टाटा सन्स लिमिटेड अगर होती तो फिर उस पर्टिकुलर केस में वो होल्डिंग कंपनी होती है। ऐसे टाटा सन्स एक क्या है? इट्स अ ट्रस्ट, इज ऑपरेटेड एज अ ट्रस्ट। मैंने एग्जाम्पल के लिए समझाने के लिए लिया कि टाटा सन्स लिमिटेड एक कंपनी है, होल्डिंग उसकी एक सब्सिडरी है टीसीएस और एक सब्सिडरी है टाटा मोटर्स, तो फिर उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा? ऐसा तो वो कंपनी नहीं है, तो फिर ये सारे प्रोविजन से बाहर हो जाएगा। ऐसा लो भाई, आया समझ में आया? ठीक है, चलिए ये हो गया आपका नेटवर्थ का डिस्कशन। अब नेटवर्थ में ये तो अपन ने डेढ़ देख ली, अब व्हाट डू वी मीन बाय नेटवर्थ? डेफिनेशन क्या है उसकी? तो नेटवर्थ की डेफिनेशन है पेड अप शेयर कैपिटल प्लस
सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। एक्चुअली प्रीमियम इज एज गुड एज पेड अप कैपिटल, सही है क्या? अपन शेयर होल्डर से प्रीमियम मंगाते हैं और कैपिटल मंगाते हैं, एक तरह की बात ही है। दोनों पैसा अपन ने शेयर होल्डर से मंगाया ही है, प्लस प्रॉफिट्स, सॉरी रिजर्व्स मेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स। ये आपने कंपनी लॉ अगर पढ़ा हो आईपीसीसी में भी, और याद भी हो, हाँ दोनों इंपॉर्टेंट है, तो ये ऐड कर लेना, रिजर्व्स मेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स। सर ये क्या है रिजर्व्स मेड आउट ऑफ प्रॉफिट? इसका मतलब है दिस विल एक्सक्लूड रिवैल्यूएशन रिजर्व्स, इवन से कैपिटल रिजर्व्स, गवर्नमेंट ग्रांट्स रिलेटेड रिजर्व्स। समझ रहे हो क्या क्या लिख रहा हूं मैं? जैसे आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिलती है तो आप क्या करते हो? बैंक टू गवर्नमेंट ग्रांट। ये गवर्नमेंट ग्रांट सीधे कहाँ चली जाती है? रिजर्व्स में। यानी घुमा फिरा के अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकली क्या ये पीएनएल से रिजर्व में गया या सीधे रिजर्व में? बस ये फंड है। जो चीज पीएनएल से रिजर्व में जा रही है वो यहां आएगी, यानी पीएनएल अप्रोप्रिएशन से जो रिजर्व्स बने वो यहां आएंगे। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन से रिजर्व नॉर्मली एक ही बनता है आपका, कौन सा? जनरल रिजर्व। हाँ कोई लॉ की रिक्वायरमेंट हो तो फिर स्टैचुटरी रिजर्व भी बनते हैं, तो वो भी आएंगे। ध्यान रखना मैंने फ्री रिजर्व्स नहीं लिखा है, क्या लिखा है? रिजर्व्स मेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स। तो स्टैचुटरी रिजर्व जैसे कि बैंक्स में होता है, आपको हर साल के प्रॉफिट का 25% निकाल के स्टैचुटरी रिजर्व में डालना है, वो काउंट होगा। क्यों? क्योंकि इट इज मेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स। यानी आप समझने के लिए चाहो तो क्या लिख सकते हो? वो वाले रिजर्व विच आर मेड आउट ऑफ ट्रांसफर फ्रॉम पीएनएल अप्रोप्रिएशन। हालांकि आपको ये पता होगा कंपनीज एक्ट में पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनता नहीं है, सिर्फ समझने के लिए अपन बोल रहे हैं। पीएनएल अप्रोप्रिएशन सिर्फ 11वीं 12वीं सीपीटी तक ही बनता था, आईपीसीसी में भी पार्टनरशिप में बनता था, कंपनी में अपन कहाँ बनाते? ठीक है, माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस, एनी फिक्टिशियस असेट्स, एनी अनरिटन ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, ये सब माइनस होंगे, इंक्लूडिंग रिवैल्यूएशन लॉसेस। मतलब समझ गए आप शायद? रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ है तो आप बताओ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कहाँ जाता है? रिवैल्यूएशन रिजर्व में। वो नेटवर्थ में ऐड नहीं होगा, पर अगर रिवैल्यूएशन में लॉस हुआ है तो रिवैल्यूएशन लॉस कहाँ जाता है? रिवैल्यूएशन लॉस कहाँ जाता है? आपके पास रिजर्व है ही नहीं, सिर्फ लॉस हुआ है, तो लॉस तो सीधे पीएनएल में जाएगा ना। तो अगर रिवैल्यूएशन लॉस हुआ है तो नेटवर्थ कम होगी, लेकिन रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है तो वो रिजर्व में जाएगा, तो नेटवर्थ बढ़ेगी नहीं। आप बोलोगे सर पहले रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ था और बाद में रिवैल्यूएशन लॉस हुआ, तो फिर टेक्निकली हम पहले रिवैल्यूएशन लॉस को रिवैल्यूएशन प्रॉफिट से सेट ऑफ करते, यानी पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व कम करेंगे और उससे ज्यादा लॉस हुआ तो फिर एक्सेस लॉस को अपन क्या करेंगे? लॉस मानेंगे। हेलो, आए अभी समझ में है? बोलो। ठीक है, तो सारे प्रकार के फिक्टिशियस असेट यानी कौन से असेट्स आ सकते हैं? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से आ सकते हैं? कोई एग्जाम्पल? हाँ, शेयर इश्यू एक्सपेंस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, एडवर्टीजमेंट वगैरह मत बोलना यार, क्योंकि आपको बताओ होगा वो AS 26 में एडवर्टीजमेंट वगैरह टाइप के खर्चों को डेफर नहीं कर सकते। ये बेसिकली शेयर डिबेंचर से रिलेटेड कुछ खर्चे हैं जो आज भी डेफर हो सकते हैं।
उसमें भी अपन इंडेस में पढ़ेंगे, इंडेस में ये भी डिफर नहीं हो सकता, एएस में ही हो सकते हैं। तो एक इंटरेस्टिंग सवाल उठता है, आप बताओ नेटवर्थ निकालने के लिए क्या आपकी बैलेंस शीट देखना पड़ेगी आपको? हाँ, वहीं से तो नेटवर्थ निकलेगी। बैलेंस शीट में आप बताइए शेयर कैपिटल के अलावा और क्या देखोगे आप? रिजर्व्स एंड सरप्लस, पी एंड एल का बैलेंस। आपका पी एंड एल का बैलेंस जो अभी आ रहा है वो एस पर क्या आ रहा है? एएस। तो सवाल ये उठता है कि नेटवर्थ जो निकल रही है वो एस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेड आउट ऑफ एएस निकल रही है, क्या ये एक्सेप्टेबल है? यस। इंडेस की एप्लीकेबिलिटी के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन से देखे जाएंगे? एएस वाले। आपको ऐसा नहीं करना है कि एप्लीकेबिलिटी के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड्राफ्ट करके इंडेस वाले बनाने, फिर लोग बोलेंगे यार सीधे ही बोल दो ना इंडेस फॉलो करना है, क्यों अलग अलग तरह से बता रहे हो, सिखा रहे हो, समझा रहे हो, खत्म करो, बोल दो सिर्फ इंडेस ही फॉलो करना है। अच्छा, हमारा भी कोर्स ज्यादा होगा और एक सेशन भी बचेगा एप्लीकेबिलिटी का। और ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि ये जो नेटवर्थ निकलेगी ये ऑब्वियसली क्या निकलेगी? एज पर नेटवर्थ विल बी कैलकुलेटेड यूजिंग लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और प्रीवियस ईयर। प्रिपेयर्ड एज पर एएस। ठीक है, इसमें एक बेसिक सा क्वेश्चन आता है, हमारी कंपनी की नेटवर्थ आ रही है, हमारी कंपनी की नेटवर्थ आ रही है 499 करोड़, और हमारे ऑडिटर ने रिपोर्ट में क्वालिफिकेशन दिया है कि कंपनी ने 2 करोड़ के प्रॉफिट बुक नहीं किए, तो बताओ नेटवर्थ क्या मानी जाए? बैलेंस शीट में आ रही है 499, 2 करोड़ के प्रॉफिट कंपनी ने बुक नहीं किया, ऐसा ऑडिटर ने रिपोर्ट में क्वालिफिकेशन डाला है, तो आप नेटवर्थ क्या मानोगे? 501 करोड़। जनरल रूल ध्यान रखना, कहीं पर भी अगर लिमिट्स चेक करना है तो वो लिमिट्स चेक करने के लिए हमें रियल बैलेंसेस चाहिए, यानी अगर कंपनी ने कहीं गलत बैलेंसेस लिए और ऑडिटर ने उसे पॉइंट आउट किया है तो फिर हम करेक्टेड बैलेंस के आधार पर लिमिट्स चेक करेंगे। नेवर आर द लिमिट्स, ये मैं आपको इंडेस के लिए नहीं बोल रहा, अक्रॉस पूरे कंपनी लॉ में जहां पर भी लिमिट बेस्ड एप्लीकेबिलिटी है, बहुत जगह पढ़ोगे आप, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट लिमिट बेस्ड एप्लीकेबिलिटी होता है ना, पेड अप शेयर कैपिटल बोरिंग्स, इंटरनल ऑडिट कराना है या नहीं कराना है उसमें आपकी एप्लीकेबिलिटी होती है बेस्ड ऑन टर्नओवर, बोरिंग्स, पेड अप कैपिटल, डिपॉजिट्स, बहुत सारी जगह आप देखेंगे आपकी एप्लीकेबिलिटी जो होती है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की किसी फिगर्स के ऊपर आधारित होती है। यू ऑलवेज हैव टू टेक द फिगर्स विच आर द करेक्टेड फिगर्स। तो इन केस इफ देर आर क्वालिफिकेशन, पोस्ट क्वालिफिकेशन एडजस्टमेंट्स जो फिगर आएंगे उसके आधार पर एप्लीकेबिलिटी डिसाइड करी जाएगी। ये जनरल रूल ध्यान रखिएगा आप लोग। आया भी समझ में? ठीक है, चलिए, तो ये हमारा डिस्कशन हो गया कि इसका नेटवर्थ किस तरह से कैलकुलेट की जाएगी, उसकी क्या डेफिनेशन होगी, और अब आ जाते हैं अपन कंपनीज पे। ब्रेक लेना है या करवा दूं ये? हाँ चलिए ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद आगे करेंगे। चलिए, नेटवर्थ का डिस्कशन किया अभी अपन ने। नाउ लेट अस कम टू आवर डिस्कशन ऑन कंपनीज। ठीक है, पॉइंट नंबर 5। एक चीज अपन ने पहले ही डिस्कस कर ली है, हमारा पूरा डिस्कशन जो और ये सारा का सारा डिस्कशन एप्लीकेबिलिटी का सिर्फ किसके लिए है? कंपनीज के लिए। ये चीज अपन पहले ही नोट कर चुके हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी क्या फॉलो करेगी? यस, क्वेश्चन की एक पार्टनरशिप फॉर्म, एक एलएलपी इंडेस फॉलो करना चाहती है, क्या वो कर सकती है?
एक पार्टनरशिप फर्म इंडेस फॉलो करना चाहती है, क्या वो कर सकती है? तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि इंडेस की एप्लीकेबिलिटी इंस्टीट्यूट तो बताता ही नहीं है। कौन बताता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। हमने जो एप्लीकेबिलिटी पढ़ी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंडेस की, ये किस में पढ़ी है? कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स, कंपनीज इंड एएस रूल्स। यानी एप्लीकेबिलिटी किसने बता रखी है? कंपनीज एक्ट ने। इसका मतलब प्रैक्टिकली ये जो चीज हम पढ़ रहे हैं, इसका रेलेवेंस सिर्फ किसके लिए है? कंपनीज के लिए। तो इंडेस का रेलेवेंस सिर्फ कंपनीज के लिए, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए नहीं। हालांकि आप इंडेस पढ़ोगे ना, तो इंडेस में हर इंडेस में शब्द यूज किया गया है एंटिटीज, ना कि कंपनीज। यानी इंडेस का टेक्स्ट पढ़ के ऐसा नहीं लगता कि ये सिर्फ कंपनीज के लिए बनाया गया है, ये बनाया सबके लिए गया है। लेकिन आज की तारीख में अगर अपन बात करें तो इसका रेलेवेंस सिर्फ किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है? कंपनीज। एनीवेज, कंपनीज में जो हमको चीज डिस्कस करना है वो ये है, व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी। नाउ यू ऑल नो कंपनी का मतलब क्या हुआ? तो कंपनी इज बेसिकली व्हाट इट इज, एन एंटिटी व्हिच इज रजिस्टर्ड एज अ कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 2013, 1956 और अर्लियर 1912। कोई भी कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड एंटिटी को क्या माना जाएगा? कंपनी। मेन अपने को जो डिस्कशन करना है वो करना है किसके ऊपर? फॉरेन कंपनी। इसमें आप एक चीज समझ लें, वन, फॉरेन कंपनी का मतलब क्या हुआ है? फॉरेन कंपनी इज अ कंपनी रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया। हालांकि आप कंपनीज एक्ट में देखोगे तो बोलता है इट्स अ कंपनी रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया एंड हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस और एस्टैब्लिशमेंट इन इंडिया। हमें कंपनीज एक्ट की परिभाषा नहीं लेना है। अभी जो मैं बता रहा हूँ फॉरेन कंपनी, उसका मतलब सिर्फ क्या है? ऐसी कंपनी जो बाहर रजिस्टर्ड है, खत्म। ठीक है, सच कंपनीज विल बी गवर्न्ड बाय गैप्स एप्लीकेबल इन द रिस्पेक्टिव कंट्रीज। इन कंपनीज पर कौन से गैप लगेंगे? जिस कंट्री में ये रजिस्टर्ड है वहां पे जो लगते हैं वो वाले। ठीक है, दैट मीन्स हम इनडायरेक्टली ये बोल रहे हैं, सच कंपनीज शैल नॉट अफेक्ट एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंड एस। ऑन कंपनीज, कौन सी कंपनीज? समझाने के लिए, इंडियन कंपनीज, कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन लॉ ऑफ कंपनीज। सिंपल एग्जाम्पल लेता हूं, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, से दैट बर्गर किंग इनकॉर्पोरेशन यूएसए हैज अ नेटवर्थ ऑफ 1,000 crores इफ आई कैलकुलेट इन रुपीज। सपोज बर्गर किंग लिमिटेड इंडिया इज एन इंडियन सब्सिडरी ऑफ इट। इट्स द इंडियन सब्सिडरी ऑफ बर्गर किंग इनकॉर्पोरेशन यूएसए विथ अ नेटवर्थ ऑफ जस्ट 100 crores। आप बताइए इंडेस क्या लगेगा?
वेदर इंडेस एप्लीकेबल, किसके लिए पूछ रहा हूं मैं ये सवाल? इंडेस एप्लीकेबल, बर्गर किंग लिमिटेड इंडिया पे। क्या मैं बर्गर किंग इनकॉर्पोरेशन यूएस के लिए पूछ रहा हूँ कि एप्लीकेबिलिटी? पूछ ही नहीं सकता मैं, क्यों नहीं पूछ सकता? उसके लिए तो पूछ ही नहीं सकते, क्यों नहीं पूछ सकते? फॉरेन कंपनी हो तो यूएस एक्ट बताएगा, यूएस के लॉज बताएंगे उसको क्या फॉलो करना है। अपन तो सिर्फ इंडिया के लिए पूछेंगे, तो हम बोलेंगे क्या इसके ऊपर एप्लीकेबल है या नहीं है। तो हम बोलेंगे सिंस नेटवर्थ इज लेस देन द प्रिस्क्राइब लिमिट, इंडेस आर नॉट एप्लीकेबल। They are not mandatorily applicable on such company. ठीक है, बोलो भैया, समझ में आया? क्या इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि इसकी होल्डिंग कंपनी की नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा है? हम सिंपली लिख सकते हैं फैक्ट दैट होल्डिंग एंटिटी नेटवर्थ इज ग्रेटर देन 500 करोड़ इज इररिलेवेंट। क्यों? एज इट इज नॉट कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट ऑफ इंडिया। इसमें डाउट सिर्फ इतना सा आ सकता था कि यार होल्डिंग कंपनी की नेटवर्थ 1000 करोड़ है, तो हमने पढ़ाया कि अगर होल्डिंग पे इंडेस लगेंगे तो उसकी सब्सिडरी पे भी लग जाएंगे, पर वो कब लगेगा? जब पहले होल्डिंग पे इंडेस लगेगा। यहाँ होल्डिंग पे ही इंडेस नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वो कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड ही नहीं। क्लियर है? ठीक है दोस्त, चलिए। तो ये अपना किसका डिस्कशन हो गया? एप्लीकेबिलिटी अभी नहीं हुआ, कंपनीज का डिस्कशन हो गया। अब आ जाए एएस पे, एएस और इंडेस बड़ा है यार थोड़ा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सर, ये इसमें क्या पढ़ना है? तुम बचपन से पढ़ते हुए, अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में थोड़ी सी चर्चा करना पड़ेगी हमको। सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस पर एप्लीकेबल होते हैं? आई विल से कंपनीज not covered or not opting for kya Ind AS and all the non corporate entities, in sab pe kya lagte hain bolo? accounting standard। वो कंपनियां जो कि कवर्ड नहीं है या फिर ऑप्ट नहीं करती हैं इंडेस के लिए, उन पे क्या लगेगा? एएस। कौन से एएस फॉलो करना है उनको? हम लिखेंगे सच कंपनीज टू कंप्लाई विथ ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ऑल मतलब एएस 1 to 29, एक्सेप्ट दोज एग्जम्प्टेड फॉर स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज। क्या मतलब हुआ दोज एग्जम्प्टेड फ्रॉम स्मॉल मीडियम कंपनीज?
कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ कंपनीज को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। कुछ कंपनी में कौन सी कंपनी को नहीं करना है फॉलो? एसएमसी। इसका मतलब एसएमसी की कोई डेफिनेशन होगी, ठीक है। इसी तरह से नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज में रूल क्या है? नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज टू फॉलो व्हाट? ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक्सेप्ट दोज नॉट एप्लीकेबल टू एसएमईज। अब आप बताओ ये सुनने के बाद आपको क्या पढ़ने की जरूरत है? एक तो एसएमसी एसएमई क्या होता है और दूसरा कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो इन्हें फॉलो करने की जरूरत नहीं है? आया समझ में? एसएमसी एसएमई क्या होता है और कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो इन्हें फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ठीक। एसएमसीज क्या होती है, ये चीज कहां पर डिफाइन की गई है? दिस इज गिवन बेसिकली इन कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2006। और एसएमई कौन है ये कहां दिया गया है? प्रीफेस टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय आईसीएआई। यानी दोनों चीजें दी अलग अलग जगह, ठीक है। अब अपन देखते हैं, दोनों की डेफिनेशन क्या है। लकीली दोनों दी अलग अलग जगह है लेकिन दोनों की परिभाषा एक समान है, ठीक है। इनको क्या किया गया है बेसिकली, इफ यू टॉक अबाउट आईसीआई का प्रिफेस, आईसीआई के प्रिफेस में सारी एंटिटीज को डिवाइड किया गया है तीन लेवल में, लेवल वन लेवल टू लेवल थ्री। ये क्लासिफिकेशन में लेवल वन कौन है? तो जिसका टर्नओवर पिछले साल का 50 करोड़ से ज्यादा है वो लेवल वन है, नहीं तो और जिसकी बोरोइंग्स 2020 क्या मतलब एनी टाइम इन प्रीवियस ईयर, पिछले साल में किसी भी एक दिन 1 अप्रैल से 31 मार्च थ्रू आउट द ईयर एनी सिंगल डे इज मोर देन 10 करोड़। या फिर कंपनी की इक्विटी या डेट लिस्टेड या टू बी लिस्टेड इन और आउटसाइड इंडिया है। तो उसे क्या मान लो? लेवल वन। या फिर उसका नेचर ऑफ बिजनेस बैंकिंग इंश्योरेंस या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब क्या हो गया? एनबीएफसी, इनमें से कोई भी है। या फिर उसकी होल्डिंग या सब्सिडरी
इज अ लेवल वन एंटरप्राइज। हेलो, आया समझ में? मतलब बोलो ना, ये पांचों लिमिट कौन सी है? इधर और, इसका मतलब सपोज मेरा टर्नओवर 10 करोड़ है और बोरिंग मेरी 11 करोड़ है, तो क्या होएगा? लेवल वन। टर्नओवर 10 करोड़, बोरिंग भी 10 करोड़ है, लिस्टेड भी नहीं हूं, बैंक, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी नहीं हूं, ग्रुप कंपनी है ही नहीं, क्या होएगा? यहां याद रखना, यहां सारी लिमिट मोर देन है, इंडेक्स में सारी मोर देन इक्वल टू टू, यहां पे सब ग्रेटर देन। लेवल टू अगर वन नहीं है तो फिर टू चेक करो। टू में क्या है? टर्नओवर की लिमिट हो गई 1 करोड़, बोरिंग की भी लिमिट हो गई 1 करोड़, लिस्टिंग वाली कोई लिमिट नहीं है, नेचर ऑफ बिजनेस की कोई लिमिट नहीं है। अगर आपकी होल्डिंग या फिर आपकी सब्सिडरी अगर क्या है, लेवल टू है, तो फिर आप भी क्या हो जाओ? लेवल टू। और लेवल थ्री कौन होगा? इफ नॉट लेवल वन और टू, तो ऑटोमेटिकली आप क्या हो जाओगे? लेवल थ्री। समझे क्या मतलब? ये सब अपन किसके लिए पढ़ रहे हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की एप्लीकेबिलिटी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की एप्लीकेबिलिटी में हम क्या देख रहे हैं? यहां भी छोटी कंपनी का कंसेप्ट होता है। आप बताओ क्या इंडेस में भी होता होगा क्या ऐसा? एसएमसी क्लासिफिकेशन, एसएमसी हो तो आप पे इंडेस लगेगा ही नहीं। इंडेस तो लगता ही किस पे? सुपर लार्ज कंपनी पर, तो उसमें क्या एग्जम्पशन? वो तो बड़ी कंपनी है। एग्जम्पशन छोटी कंपनियों में होता है, छोटी एंटिटीज को होता है, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। अच्छा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी कौन से टाइप के एग्जम्प्ट होते हैं? डिस्क्लोजर बेस्ड अकाउंटिंग जिसमें होती है वो सब तो सब पे ही लगते हैं, जिसमें डिस्क्लोजर है वो वाले थोड़े बहुत एग्जम्प्ट होते हैं। वो किसके लिए एग्जम्प्ट है? लेवल वन तो सब फॉलो करता है, टू के लिए थोड़े और थ्री के लिए थोड़े और एग्जम्प्ट है। नॉर्मली टू और थ्री के एग्जम्पशन कुछ खास डिफरेंस नहीं है, यानी या तो लेवल वन के लिए जो लगेगा वो टू और थ्री पे नहीं लगेगा या सब पे लगेगा। दूसरा तरीका कहने का कि एग्जम्पशन लिस्ट इज कॉमन फॉर टू एंड थ्री एक्सेप्ट अ फ्यू एग्जम्पशंस ऑफ फ्यू स्टैंडर्ड। मतलब ऐसा होता है कि पैराग्राफ 68 ऑफ AS 29 लेवल थ्री पे नहीं, लेवल टू पे लगेगा। ऐसे बस छोटे से डिफरेंसेस हैं। बाकी आप इन जनरल अगर देखोगे तो एग्जम्पशंस आपके जितने भी हैं वो सब क्या हैं तो टू और थ्री के सेम है। ठीक है, कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स में इन दोनों को क्या माना जाता है? एसएमसी। बस इतना सा फर्क है और कुछ नहीं। इनफैक्ट फर्क कुछ है ही नहीं, सिवाय इसके कि आईसीआई टर्मिनोलॉजी यूज करता है लेवल 1 2 3, और कंपनीज एक्ट टर्मिनोलॉजी यूज करता है स्मॉल मीडियम कंपनी। आईसीआई बोलता है ये लेवल वन, ये टू, ये थ्री। कंपनीज एक्ट बोलता है जो लेवल वन की लिमिट है वो बोलता है जो ये नहीं है वो सब स्मॉल और मीडियम कंपनी है। मतलब समझ में आया? मतलब ये है कि ज्यादा सुनो ही मत, समझो ही मत। ये लिमिट कंपनीज एक्ट में और आईसीआई में दोनों में सेम है। आईसीआई का तरीका एसएमई को लेवल 1 2 3 बोलने का होता है, कंपनीज एक्ट का तरीका होता है कि या तो आप पे सारे एएस लगेंगे या अगर आप एसएमसी हो तो कुछ नहीं लगेंगे। एसएमसी कब होगे? जब आप लेवल वन की पांचों लिमिट से बाहर हो। तो इफ यू आर कवर्ड इन एनी ऑफ द फाइव लिमिट्स यू आर वन, इफ नॉट देन यू विल बी कवर्ड अंडर टू और थ्री। यहां आया सबको समझ में? दिस इज नॉट अ मेजर पॉइंट ऑफ डिस्कशन। द मेजर पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज एग्जम्पशन लिस्ट क्या है हमारी।
हमारा मेन डिस्कशन है कि एग्जाम्पशन क्या मिलेंगे हमको। क्या मतलब एग्जाम्पशन लिस्ट? अगर मैं एसएमसी हूं तो मुझे कुछ एएस फॉलो नहीं करना। सिमिलरली अगर मैं लेवल 2 और 3 हूं तो मुझे कुछ एएस फॉलो नहीं करना। व्हाट इज दैट लिस्ट? टेबल बना लो आप, 3 कॉलम 4 रोज। कैटेगरी एसएमसी और लेवल 2 और 3। काय का टेबल है? दिस इज लिस्ट ऑफ एग्जाम्पशंस, मतलब फॉलो नहीं करना है इस एग्जाम का। कैटेगरी 1 इज कंप्लीटली एग्जम्प्ट। स्मॉल मीडियम कंपनीज आर कंप्लीटली एग्जम्प्ट फ्रॉम AS 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट और AS 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग। हालांकि कैश फ्लो की एग्जम्पशन आपकी थोड़ी सी आजकल कंपनी में अलग हो गई है। आपने सुना होगा कैश फ्लो का एग्जम्पशन क्या होता है। 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी और डोरमेंट कंपनी पर कैश फ्लो स्टेटमेंट AS 3 एप्लीकेबल नहीं होता है। सुना होगा ऐसा, राइट? लेवल 2 में और 3 में यानी आईसीआई के अनुसार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, AS 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग, AS 18 रिलेटेड पार्टी और AS 24 डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। ये 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो किसको फॉलो नहीं करना है, लेवल 2 और 3 को। तो सवाल का जवाब दो, क्या मुझे AS 18 फॉलो करना है अगर मेरा टर्नओवर, मेरी बोरोइंग सब कुछ 1 करोड़ से कम है? मेरा टर्नओवर 50 लाख है, बोरिंग मेरी 25 लाख है, लिस्टिंग विस्टिंग तो भूल जाओ, कोई ग्रुप कंपनी नहीं, कोई बैंकिंग इंश्योरेंस नहीं, कुछ भी नहीं, क्या मुझे AS 18 फॉलो करना है? एंटिटी, माय एंटिटी, आई एम हैविंग अ टर्नओवर बोरिंग ऑफ लेस देन ₹1 करोड़, एम आई रिक्वायर्ड टू फॉलो AS 18? बोलो, आप बोलोगे इफ आई एम registered as a company then I will have to follow AS 18, but if I am not a corporate entity then I will be exempted from AS 18। यानी कि SMC और level 2-3 की परिभाषा सेम है लेकिन exemption list सेम नहीं। जैसे ये जो अभी तक लिखा है उसके अनुसार AS 18 और AS 24 हर कंपनी पे लगते हैं लेकिन हर एंटिटी सॉरी हर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी पर नहीं लगते। एंटिटी शब्द में कंपनी भी आ गया, एंटरप्राइज भी आ गए। अरे बोलो, एंटिटी कुछ भी हो सकती है। तो अगर आपको क्वेश्चन आए कि मेरी एंटिटी का टर्नओवर 1 करोड़ है, बोरिंग 1 करोड़ है, तो बताओ क्या मुझे AS 18 फॉलो करना है? तो मैं बोलूंगा अगर एंटिटी कंपनी की तरह रजिस्टर्ड है तो करना है, और अगर वो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी की तरह रजिस्टर्ड है तो नहीं करना है। समझ में आया सबको? बोलो, दीज आर कंप्लीटली एग्जम्प्टेड, एग्जम्प्टेड फ्रॉम फ्यू अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। Accounting Standard 15 and Accounting Standard 28, यहां पे भी वही है। क्या मतलब इसका बताओ? AS 15 Employee Benefits है और AS 28 Impairment of Assets। ये दोनों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की कुछ डिस्क्लोजर और कुछ अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट लेवल 2 और 3 या
स्मॉल मीडियम कंपनीज पर लागू नहीं होती है। पूरा यस या सिर्फ कुछ रिक्वायरमेंट्स, कुछ। और सी कैटेगरी है एग्जम्प्टेड फ्रॉम फ्यू डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। आप बताओ क्या समझ में आए ये पढ़ के? सिर्फ डिस्क्लोजर से छूट मिलेगी आपको, किससे छूट नहीं मिलेगी? अकाउंटिंग से। यू विल बी ओनली एग्जम्प्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर्स, नॉट फ्रॉम अकाउंटिंग। AS 19 किस पर है? लीज। AS 29 प्रोविजंस कंटिंजेंट लाइबिलिटीज, और AS 20 में डाइल्यूटेड EPS। सुना है क्या ये आपने? दो तरह के EPS होते हैं, बेसिक और डाइल्यूटेड। हालांकि लेवल टू और थ्री में डाइल्यूटेड ईपीएस का ऐसे भी रेलेवेंस नहीं, क्योंकि लेवल टू थ्री मतलब नॉन कंपनी, नॉन कंपनी में नॉर्मली ईपीएस होता ही नहीं है। ईपीएस का रेलेवेंस ही सिर्फ कंपनी में निकल के आता है। हालांकि कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी शेयर्स होते हैं तो वहां पे आप ईपीएस निकाल सकते हो, तो बहुत ही रेयर सर्कमस्टेंस है, पर ईपीएस का रेलेवेंस नॉर्मली कंपनी एक्ट में ही होता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन द एग्जाम, that my company is a small medium company as per the company accounting standard rules 2006, am I required to disclose EPS? kya bologe? yes, but only basic EPS, diluted EPS disclose karne ki requirement se main exempt. ab aap exemption list dekhoge na dosto, to aap batao exemption list mein sirf kaun se do standard difference hai? 18 और 24 का फर्क है, बाकी सारे के सारे एग्जम्पशन भी सेम। इसलिए आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 18 और 24 सबसे अच्छे से याद रखना है, ठीक है? 18 24 कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है, नॉन कॉर्पोरेट लेवल 2-3 एंटरप्राइज एसएमई के लिए एग्जाम। तो ये जो लेवल 2 और 3 का एग्जम्पशन है, इसे एसएमई एग्जम्पशन भी कहा जाता है, और इसे एसएमसी बोलते हैं। एसएमसी में लेवल 2 और 3 नहीं होता। आया? ठीक है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक ऐसी चीज है दोस्त, जिसमें ऐसा नहीं है कि सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सबके सब पर लगते हैं, जबकि इंडेस में ऐसा नहीं है। इंडेस में सारे के सारे इंडेस क्या होंगे? ऑल द इंडेस विल बी एप्लीकेबल ऑन All set of entities, ठीक है? चलिए, तो ये हमारा किसका डिस्कशन भी हो गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिन पर लगेंगे वो कैसे एप्लीकेबल होंगे। और अब आखिरी मुद्दा छोटा सा देख लेते हैं, इंडेस वो अपन ने डिस्कस कर ही लिया, छोटा सा पॉइंट नोट करना है बस। इंडेस हो गया हमारा पॉइंट नंबर 7। इंडेस जितने भी दिए गए, ये किसके अंतर्गत दिए गए? तो इंडेस आर ऑल इश्यूड अंडर कंपनीज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2015, विच हैव बीन अमेंडेड इन 2016 एंड ऑल्सो 2017, 2016 में मार्च में, 2017 में अप्रैल में। ऑब्वियसली बात है, ये सारे अमेंडमेंट्स अभी हमारे लिए एप्लीकेबल है, नवंबर 17 से ही लागू हैं, ये सब अपन कवर करेंगे, ठीक है? इंड एज की नंबरिंग कैसी होती है? तो ऑल इंड एज नंबर्स करस्पॉन्ड टू द IFRS नंबर्स। क्या मतलब है समझ में आया? अगर IFRS, अगर इंडेस 1 प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तो
तो IAS 1 भी क्या होगा? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे IAS 2, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, इज वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। तो इंडेस का भी नंबर क्या होगा? 2, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। कैश फ्लो स्टेटमेंट का IFRS में नंबर है IAS 7, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इंडेस में उसका नंबर क्या होगा? IND AS 7। पर अब क्या हुआ, 1, 2 के बाद मैंने 7 बोला, बीच में जो 3, 4, 5, 6 इंडेस थे वो सब क्या किए गए? खत्म कर दिए। और उसके बदले में क्या आ गए? वापस से बोलता हूँ, इंडेस नहीं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 2 है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी, अगला सीधे नंबर 7 जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब 3, 4, 5, 6 पहले थे पर विड्रॉ हो गए, विड्रॉ के वो किसमें कन्वर्ट हो गए होंगे? IAS किसमें कन्वर्ट हो गए? IFRS। तो IFRS का नंबर क्या हुआ? IAS 3 विड्रॉ होके IFRS 3 नहीं बना, IFRS 1 बना। यानी कि आज की तारीख में नंबरिंग कैसे चलती है, IAS के नंबर कैसे होते हैं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नंबर कैसे चलते हैं, 1, 2, 3 ऐसे लेके कहाँ तक हैं? 41। तो इसके सपोर्ट में हमारे जो भारतीय इंडेस हैं उसकी नंबरिंग कैसी है? 1, 2, 3 ऐसे, 3 तो खैर हट गया, हटा दो, 41 तक। सेम नंबर है, प्रॉब्लम कहां पर है? प्रॉब्लम क्या है, बस समझने की बात है। कोडिंग में IFRS, IFRS कैसे चलते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे, 15 सपोज। इसके सामने अब मुझे क्या इश्यू करना है? इंडेस। अब आपको शायद एक चीज समझ आ गई, इंटरनेशनली IFRS के दो नाम है, जो पहले इश्यू हो गए थे और अभी तक चेंज नहीं हुए हैं उनको आज भी IAS बोलते हैं, और जो हो गए चेंज वो IFRS है। पर भारत में ऐसा नहीं है कि पुरानों के बदलों में अपन ने अलग नाम दिया और नए के बदले में अलग दिया, क्योंकि अपने लिए तो सभी नए। तो इसके लिए सारे IFRS की जो नंबरिंग है वो कैसी होती है? IND AS 101, 102, 103, 104, 105 से लेके 115। हालांकि 115 अभी विड्रॉ कर दिया गया है, तो 114 तक ही एप्लीकेबल है भारत में। चलो यार, कोई इतना ध्यान से सुनने वाला मुद्दा नहीं है, तो बताओ IFRS 10 इंडिया में उसका नंबर क्या होगा? IND AS 110। बोलो, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38 का नंबर इंडिया में क्या होगा? IND AS 38। तो IFRS सारे 100 के डिजिट्स में 1, 2, 3, 4 कर दिए, बस इतनी सी बात है और कुछ। इसके अलावा जब IFRS आते हैं तो उसमें क्या होता था, इंटरप्रिटेशन आते थे IFRS के और IAS के। भारत में उन सारे इंटरप्रिटेशन को IAS में मर्ज कर दिया है, इसलिए हमें इंटरप्रिटेशन एज सच पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक है, चलिए और लास्ट चीज नोट कर लें, डिफरेंस बिटवीन, ये समझ लिया था, बस नोट कर रहे हैं, IND AS एंड IFRS/IAS आर नोन एज क्या? कार्व आउट्स और कार्विंग्स। कार्व आउट कब बोलोगे? व्हेन इट इज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ IFRS/IAS। लाइक फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण, IFRS बोलता है IFRS विल प्रिवेल ओवर लॉ, लेकिन इंडेस क्या बोलता है? लॉ विल प्रिवेल ओवर इंडेस। सही है, कार्विन्स क्या हो गए?
डिफरेंसेस दैट विल नॉट रिजल्ट इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ IFRS. But only limit options given in IFRS. Example, investment property can be valued at cost or fair value. As per IFRS, but it has to be valued only at cost as per Ind AS. समझ में आया क्या फर्क? IFRS में दो ऑप्शन है, या तो आप इन दोनों में से कॉस्ट अप्रोच ले लो या फिर वैल्यू अप्रोच ले लो. पर हमारे यहां पर क्या है, सिर्फ कॉस्ट अप्रोच है. हालांकि ये चीज मैंने किसके लिए लिखी है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है ना, फिक्स असेट्स में ऐसा नहीं है. ये एक एग्जाम्पल है बस यहाँ के लिए. ठीक है, दिस कंप्लीट्स योर डिस्कशन टुडे ऑफ व्हाट एप्लीकेबिलिटी. ठीक है, इसके सारे एस्पेक्ट्स अपन ने कवर कर लिया एप्लीकेबिलिटी से रिलेटेड. हमने आज कोई भी क्वेश्चन एज सच एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिस नहीं किया. कल हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे हमारे इंड एएस 1 से, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड कंपेयर इट विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1. फिर अपन कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और एग्जाम में राइटिंग अपने के आंसर्स किस तरह से लिखना है, वी विल प्रैक्टिस इट टुमारो. ठीक है, चलिए तो वी विल कंटिन्यू टुमारो 6:45. थैंक यू.